नमस्कार, कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल पे मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थ और मून के बारे में, यानी कि हम पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में बात करने वाले हैं। एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इससे पहले हम लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में बात किया था, जिसमें हमने सन के बारे में बात किया था, प्लैनेट्स के बारे में बात किया था, एस्ट्रॉयड, कमेट और मेटियोर्स के बारे में बात किया था। वहीं पर हमने ये बात आपको बताया था कि हम पृथ्वी के बारे में बाद में बात कर लेंगे ज्यादा, हालांकि वहां पे मैंने कुछ बातें की थी। और फिर पृथ्वी की एक चंद्रमा है जिसका नाम है मून, पृथ्वी का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, चंद्रमा, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो इन दोनों बारे में बात हम कर लेते हैं, एक छोटा सा वीडियो होगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। कुछ फैक्ट्स वगैरह हम बात करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिये, ये अर्थ है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और अर्थ के बारे में हम कुछ बातें जो उस समय कर लिए थे उससे क्रॉस चेक करेंगे, और जो नई बातें आपको दिखाई देंगी वो बातें आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और चूंकि ये अर्थ मेरे शुरू करने के पीछे कारण ये है कि अब यहां से हम सीधे पृथ्वी के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और पूरी ज्योग्राफी अर्थ के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए मैंने इसको एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने के लिए इस पॉइंट को यहाँ पे रखा है, जो होता है ना एक प्रॉपर स्टार्टिंग। चलिए ठीक है, अर्थ इसका शेप क्या है, तो इसका शेप है जियोइड। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है और आपको गलत नहीं करना है, जियोइड, यहाँ पर GEOID, ये इसका शेप है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इंग्लिश में पूछ लिया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आप हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं हो, कोई भी ऐसा इंग्लिश का वर्ड नहीं लिखा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बनने वाला है। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इसके पोलर डायमीटर का, यानी कि अर्थ के पोलर डायमीटर की बात करें तो 12,714 है पोलर, यानी कि पोल पे जो पूरी परिधि है। उसके बाद जब इक्वेटोरियल डायमीटर की बात करें तो 12,756 है, यानी कि पोल के जो डायमीटर है, और इक्वेटर के यानी कि ध्रुवों का पूरा परिधि है और विषुवत रेखा का पूरा परिधि है, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो लगभग आप देख रहे हैं कि 42 किलोमीटर का है। 42 किलोमीटर का, मैं एक बार देख लूं, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 1 गया 4, हाँ ठीक है, 42 किलोमीटर का। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, VBI है, कि पोलर डायमीटर और इक्वेटोरियल डायमीटर में कितना डिफरेंस है, कितने किलोमीटर का, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ दिया। तो अगर आपको पोलर डायमीटर पता होगा, इक्वेटोरियल डायमीटर पता होगा, तो जल्दी जल्दी आप लिख करके उसको माइनस कर लेंगे, और नहीं, और सीधे सीधे मैं यहाँ पे माइनस करके बता दिया हूँ कि पोलर डायमीटर और इक्वेटोरियल डायमीटर के अंदर में 42 किलोमीटर का अंतर है, 42 किलोमीटर का डिफरेंस है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे अच्छे तरीके से। चलिए ये बात हमने आपको बता दिया, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमने पहले ही बताया था कि पृथ्वी पे वाटर कितना है, 71%, लैंड कितना है, 29%। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि लैंड पे बहुत सारी चीजें हैं, फॉरेस्ट है, माउंटेन है, रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल है, जो भी ये बात आप यहाँ पे जानते हैं। उसके बाद फिर मानव की बसावट है और फिर एग्रीकल्चर है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे किया था। एज भी मैंने आपको पृथ्वी का साथ बताया था, लेकिन फिर उससे बता दूं मैं कि पृथ्वी का एज है 4.6 बिलियन ईयर पृथ्वी का एज है। चलिए रोटेशन टाइम और रिवोल्यूशन टाइम, ये दोनों बात हमने आपको बता दिया है, फिर भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको देखिए, 23 घंटे 56 मिनट रोटेशन टाइम है, यानी कि रोटेशन का मतलब क्या होता है, अपने एक्सिस पे घूमना, और रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सूर्य के चारों तरफ घूमना। देखो ये सारी बातें हो चुकी है ना, इस वजह से मैं इतना तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। अगर ये बातें नहीं हुई होती तो हम बड़े आराम से चलते, ठीक है, जैसे कि चंद्रमा में हम बड़े आराम से आपको समझाएंगे, क्योंकि मैंने ये बातें नहीं की है, ठीक है। चलिए रोटेशन रिवोल्यूशन टाइम हो गया। डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच, ये भी बात हमने आपको बता दिया था कि पृथ्वी का सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच में है, और वो कहां है, पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट है, जो कि हिमालय का सबसे ऊंचा है और पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कितना टिल्ट है, तो 23.5, यहां पे मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, 23.5 डिग्री जो है ना अपने एक्सिस पे टिल्ट है। तो फिर ऑर्बिट में कितना टिल्ट होगा, तो ऑर्बिट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 66.5 का कोण बनाएगा ऑर्बिट में। ये दोनों बात आप यहां पे लिख लेंगे प्लीज, ये एक्सिस की बात हो गई और ये ऑर्बिट की बात हो गई। एक्सिस 23.5 है, ऑर्बिट 66.5 है, इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा। और डेंसिटी कितना है, तो देखो यहां 552 नहीं है, 5.52 है, 5.52 है डेंसिटी, GYCMQ 5.52 है, 552 नहीं समझेंगे आप लोग, 5.52 है। अर्थ के बारे में बहुत सारी बातें हमने पहले भी की है, आगे भी हम करते हुए रहेंगे, फिर भी कुछ फैक्ट्स हमने यहाँ पे बताया, बड़ी तेजी से बताया है, और उसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे पहले बहुत बार चर्चा हो चुका है, यहाँ पे टाइम पास करना हमारे लिए जरूरी नहीं है। अब जरा ध्यान से देखेंगे मून के बारे में हम कुछ बात बता दें।
मून जो पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है, मून यानी कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है, चंदा मामा दूर के पुआ पकाए गुड़ के, ये बचपन में शायद आप लोगों ने ये सुना होगा, आपने खाया थाली में मुन्ना को खाए पिलाली। तो ये कहानी है, चंदा मामा से बहुत सारी चीजें हमारी जुड़ी हुई है। जब हम बच्चे होते हैं तो ये मामा होते हैं, जब हम बड़े होते हैं तो गुलजार और जो बड़े लोग शायर हैं उनके शायरी का एक कुछ अलग अंदाजा निकल जाता है मून से। तो चलो मून के बारे में हम बात कर लेते हैं। मून को क्या बोलते हैं, जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, फॉसिल प्लैनेट। हिंदी वाले बच्चे, मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है, मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप हिंदी में लिख लीजिए, अगर आपको परेशानी होता है तो ये बड़ा ठीक बात नहीं है, आप हिंदी में लिखिए, ठीक है। फॉसिल प्लैनेट का क्या कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह, जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, फॉसिल प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है ना, मून को, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मून जो है ना पृथ्वी का ही एक हिस्सा था, पृथ्वी से ही निकल करके मून बना है। चलिए ठीक है, मून के अध्ययन को जो इसको बोलते हैं ना साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन जो चंद्रमा के करते हैं उसका, उसको कहा गया है सेलेनोलॉजी। यहाँ पे लिखा मैंने सेलेनोलॉजी, मून के वैज्ञानिक अध्ययन यानी चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड सेलेनोलॉजी, ये बात हमने यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, हिंदी वाले बच्चों के लिए मैंने बोल दिया है। अब मैं बार बार ये बात नहीं बोलूंगा, हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश वाले बच्चे आप अंडरस्टैंड करते हुए चले, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फिर से वही है, एवरेज डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि फिर से एक डिस्टेंस की बात आ गई। और अगर डिस्टेंस यानी दूरी की बात आ गई तो आप याद कीजिए जब हम अपने आपको सूरज के बारे में बताया था, सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी के बारे में बताया था कि किस तरीके से उसे खगोलीय दूरी कहा गया और एपिहेलियन और पेरिहेलियन जिसको अपसौर और उपसौर की घटना हम लोगों ने बात किया था। अब यहां पे फिर से आ गया डिस्टेंस की बात, लेकिन यह डिस्टेंस अलग है तो उसको थोड़ा सा देखने की बात करते हैं और फिर यहां पर हम आपको आते हैं इस जगह पर। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा मैप से आपको बताऊं, जरूरी है इस बात को बताना मैप के साथ। देखिए ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और आप जानते हैं कि अर्थ के इलिप्टिकल पाथ पे, अर्थ के इलिप्टिकल पाथ पे मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, यानी कि इलिप्टिकल जो पाथ बोलते हैं उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, इलिप्टिकल ऑर्बिट दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं। तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, परिक्रमण करती है, ठीक है ना। चलिए तो मैं एक चंद्रमा बना देता हूं, ठीक है, चंद्रमा बना देता हूं चंदा मामा दूर के, तो यहाँ पे दूर का एक चंदामा बना देता हूं। चलो ये चंद्रमा है, मून है और एक नजदीक में मून हम बनाते हैं, यहां पे एक नजदीक में मून बनाते हैं, ये मून है, मून है। अब यहां पे डिस्टेंस की बात कर ले तो पृथ्वी से चंद्रमा के बीच का ये डिस्टेंस है और फिर से पृथ्वी से चंद्रमा के बीच का ये डिस्टेंस है। मैंने एग्जांपल लिया है, इसको आप एकदम बिल्कुल एज इट इज नहीं समझेंगे, बस मुझे समझाने का एक पॉइंट मुझे बताना है, ठीक है। तो पृथ्वी से चंद्रमा का एक डिस्टेंस है, पृथ्वी से चंद्रमा का ये डिस्टेंस है, लेकिन यहां पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये डिस्टेंस मैक्सिमम है यानी कि सबसे ज्यादा है और ये डिस्टेंस मिनिमम है यानी कि सबसे कम है। याद कीजिए जब हम सूर्य और पृथ्वी के बारे में बात किए थे वही बात यहां पर हम कर रहे हैं, पॉइंट यहां पर बदल जाता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है और ये मिनिमम डिस्टेंस जो आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है, नाम क्या है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस को कहा जाता है एपोजी, एपोजी कहा जाता है और मिनिमम डिस्टेंस को कहा जाता है पेरिजी, पेरिजी। यानी कि पृथ्वी और मून के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है यानी कि जो सबसे कम डिस्टेंस है उसको पेरिजी कहा जाता है और पृथ्वी और मून के बीच में यानी चंद्रमा के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस है उसको एपोजी कहा जाता है। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझिएगा और मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस और एवरेज डिस्टेंस की जो कहानी है वो हम आपको बता देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसको आप समझिए। और जब अगर इसको आप समझ रहे हैं तो यहाँ पे एक और चीज देखिएगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ सन, बताना जरूरी है क्योंकि पीछे की क्लास के रिवीजन हो जाएगा। मैं यहां पे बना देता हूं सन, यहां पे बना दिया है मैंने सन और सन में यहां पर देखिएगा कि एक इलिप्टिकल कक्षा में सन भी में घूमते हैं, कौन सा, देखिए
एक इलिप्टिकल क्लास में इलिप्टिकल पाथ पे सन के चारों तरफ घूमती है अर्थ, यहां पे अर्थ है और एक अर्थ यहां पे बना देता हूं मैं, एक अर्थ यहां पे बना दिया। अब देखिए सन से अर्थ के बीच की दूरी, मैं यहां पे दूसरे कलर से ले लूं, सन से अर्थ के बीच की दूरी जिसको हम लोगों ने मैक्सिमम डिस्टेंस कहा, यहां भी हमने मैक्सिमम डिस्टेंस कहा, यहां भी मैंने मैक्सिमम डिस्टेंस कहा, लेकिन ये सन से अर्थ है, ठीक है, और फिर सन से अर्थ के बीच में ये डिस्टेंस, तो इसको हम लोगों ने मिनिमम डिस्टेंस कहा, इसको हम लोगों ने क्या कहा, मिनिमम डिस्टेंस। तो सन से अर्थ के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो आप हमें बताएंगे, जरूर बताएंगे, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एपीहेलियन। तो मैं यहां पे दूसरे कलर से लिख दूं, दैट इज कॉल्ड एपीहेलियन मैक्सिमम डिस्टेंस को, और मिनिमम डिस्टेंस को क्या कहा गया, पेरिहेलियन। अब यहां पे चीजों को समझने की कोशिश कीजिए फिर से, सन और पृथ्वी के बीच के मैक्सिमम डिस्टेंस को एपीहेलियन, पृथ्वी और मून के मैक्सिमम डिस्टेंस को एपोजी, हेलियन हेलियस हेलियन सूर्य, जी जी पृथ्वी, ठीक है ना, तो पृथ्वी से मून के बीच के डिस्टेंस को जी, चलिए सन से अर्थ के मिनिमम डिस्टेंस को पेरिहेलियन और अर्थ से मून के मिनिमम डिस्टेंस को पेरिजी, ठीक है ना। और हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं अपसौर, अपसौर, और इसको बोलते हैं उपसौर, उपसौर, उप मतलब छोटा, ठीक है, उपसौर, इसको बोलते हैं अपसौर, अपसौर मतलब बड़ा, उपसौर मतलब छोटा, उप समझते हैं, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, तो उप का मतलब ही हो जाता है छोटा, तो यानी कि स्मॉलर डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, उप। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे सौर है, क्योंकि यहाँ पे सौर को हमने सेंटर रखा है ना, सौर, सौर को सेंटर रखा है, यहाँ पे किसको सेंटर रखेंगे, पृथ्वी को, तो उपभू, उपभू, और यहाँ पे अपभू, अपभू, यहाँ उपभू वहां अपभू, यहाँ अपसौर यहाँ उपसौर। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ पे कॉमन क्या है, सौर, सौर, यहाँ पे कॉमन क्या है, वो देखिए भू मतलब धरा भूमि पृथ्वी, भू मतलब धरा पृथ्वी भूमि, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब अर्थ और मून की बात आ जाएगी तो यहाँ पे उपभू उप अपभू होगा, और जब आपको सन और अर्थ की बात होगी तो यहाँ पे अपसौर उपसौर होगा, ठीक है ना। जो बड़े पिंड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानक मानते हैं, तो इस वजह से अपसौर उपसौर, और यहाँ पे पृथ्वी और चंद्रमा में बड़े पिंड कौन है, पृथ्वी, तो यहाँ पे उपभू अपभू। मेरी बात समझ में आ गया होगा ना, बड़े गौर से मैंने दोनों को अपसौर उपसौर, एपीहेलियन पेरिहेलियन, एपोजी पेरिजी दोनों को समझा दिया एक ही मैप में। आप भी अपने कॉपी में इस मैप को ड्रॉ कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लेना है वो ले लीजिए, और उसको अपने कागज में खुद से बनाएंगे, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लेकर के रख लेंगे, खुद से बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम समय आपको नहीं गवाते हैं। तो डिस्टेंस की बात कर लिए, और हमने यहाँ पे, अब मैं बताता हूँ कि एवरेज डिस्टेंस क्या है, एवरेज डिस्टेंस पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है वो है 384,000 किलोमीटर एवरेज डिस्टेंस है। मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जिसको एपोजी कहा गया था, यानी कि अपसौ अपभू कहा गया था, अपभू अपभू कहा गया था, वो है 406,000, 406,000 है, ध्यान रखिएगा 406,000, और जो मिनिमम डिस्टेंस है जिसको कहा गया था पेरिजी उपभू, उसको कहा गया 364,000। एक बात मैं यहां पे थोड़ा सा कन्फ्यूज करता हूं कि जब मैं आपको अपसौर उपसौर यानी कि पेरिहेलियन और एपीहेलियन बता रहे थे उस समय हमने हिंदी का टर्म नहीं बताया था अपसौर उपसौर, तो अभी मैंने बता दिया है यहां पे, तो उसको थोड़ा सा प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है ना, अभी मैंने बता दिया तो इसको प्लीज एक बार देख लीजिएगा, और पीछे के कॉपी में भी जाकर के जो अगर आपने मैप बनाया होगा तो उसको करेक्ट कर लेंगे, करेक्शन करना जरूरी है, ये जीवन का एक हिस्सा है, ठीक है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी किसी से भी भूल हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, क्या बोलते हैं, अराउंड द अर्थ, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन यानी कि घूर्णन और परिक्रमण किसका, चंद्रमा का, कितना है वो देखिए, और सबसे बड़ी बात क्या है कि चंद्रमा का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण दोनों ही समान है, यानी दोनों इक्वल है, चंद्रमा का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण दोनों इक्वल है, दोनों समान है, इस बात को समझिएगा, और दोनों अगर समान है तो वो कितना है ये देखिए, वह 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, फिर से देख लीजिए 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट,
और चूंकि इसके घूर्णन और परिक्रमण दोनों एक समान है, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है जो मैं अभी कंसेप्ट बताने वाला हूं, बड़े गौर से दिमाग खोल के सुनना। चूंकि इसके घूर्णन और परिक्रमण दोनों एक समान है, तो इसलिए चंद्रमा की एक ही भाग हमको हमेशा दिखाई पड़ता है और एक भाग हमेशा अंधेरा में रहता है, जिसको हम शांति की सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एक ही भाग हमें हमेशा दिखाई पड़ता है, और वो भाग कितना है, 59%। जो बात हमने यहाँ पे लिखा है वो देखिए कि 59% भी विजुअल है हमारे तरफ से, और जो हमेशा हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसका क्या बोलते हैं, घूर्णन परिक्रमण एक है, तो जितना वो घूमता है उतना ही वो जितना वो अपने एक्सिस में घूमता है चंद्रमा, उतना ही अपने ऑर्बिट में घूमता है, तो हमको हमेशा वही चीज दिखाई पड़ता है हमेशा ही, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम का ये कॉन्सेप्ट, इसको कहीं दूसरे तरीके से समझने की कोशिश मत कीजिएगा। क्वेश्चन यही पूछा है कि चंद्रमा का एक ही भाग हमें क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा का परिक्रमण और घूर्णन एक ही है। बेटा ये एग्जाम का क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट दिया उसको मन में बैठा लो, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि 59% ही हमें दिखाई पड़ता है, तो हमें क्या नहीं दिखाई पड़ता, तो हमें 41% दिखाई नहीं पड़ता है। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 100 में से 59 घटाएंगे तो 41 ही बचेगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये हमें क्या दिखाई नहीं पड़ता है, नॉन विजिबल है ना, नॉन विजिबल है, विजिबल जिसको बोलते हैं, ये दिखाई नहीं पड़ता। चलो ठीक है, हो गया। अब चंद्रमा का सबसे हाईएस्ट पार्ट, यानी कि जैसे हमने कहा क्या था कि अर्थ का सबसे हाईएस्ट पार्ट कौन सा था, माउंट एवरेस्ट। हमने क्या कहा था कि मंगल का सबसे हाईएस्ट पार्ट कौन था, तो निक्स ओलंपिया। उसी तरीके से चंद्रमा का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन है, तो माउंट लिबनिटीज, यहां पे लिख दिया मैंने, माउंट लिबनिटीज इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द मून। इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है और ये आगे भी बनेगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पे मैंने सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून के बारे में लिखा है, तो सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून अभी तुरंत समझा देते हैं। पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट बना दूं, जो एग्जाम का क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर। ये कहां पाया जाता है, चंद्रमा पर। जो लाइन मैंने बोला वो एग्जाम का क्वेश्चन है, और उसका आंसर जो मैंने बोला वही है, तो इसको आप बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे जैसे मैंने बोला है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब आपको लगता है कि मैं कुछ भी बोल के आगे निकल जाता हूं, नहीं, जो एग्जाम का चीज होता है वही बोल के आगे निकलता हूं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आप हमारे क्लास में रहे तो 100% अपने खोपड़िया को खोल के रखे, क्योंकि हम कब क्या बोल जाएंगे और एग्जाम का क्वेश्चन आ जाएगा, हाथ मलते रह जाओगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं सुपर ब्लू एंड ब्लड मून, थोड़ा सा फोटो भी दिखाते हैं आपको और आगे बढ़ते हैं और दोनों बातें करते हैं। चलिए, फोटो कुछ ऐसा है कि ये हमारे सामने में चंद्रमा का फोटो है जो आपको दिखाई दे रहा है, रेड कलर का। ये भी चंद्रमा है, इसको सूर्य मत समझना, रेड कलर वाला। ये भी चंद्रमा है और ये भी चंद्रमा है, और हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट है, दैट इज सुपर मून, ब्लू मून एंड ब्लड मून। मैं तीनों कॉन्सेप्ट को आपको समझाता हूं। सबसे पहले सुपर मून, ठीक है, मैं सुपर मून लिखता हूं यहां पे। सुपर मून क्या होता है, हालांकि उन पीछे में आपने देख लिया होगा, सुपर मून क्या होता है, तो सुपर मून होते हैं कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, दैट इज कॉल्ड सुपर मून। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, क्लोजेस्ट टू द अर्थ। अब पृथ्वी के सबसे नजदीक कब की घटना को क्या कहते हैं चंद्रमा का, पेरिजी, उपभू, यानी कि उपभू की घटना सुपर मून कहलाती है। सिंपल, उपभू की घटना सुपर मून, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन है कि सुपर मून की घटना कब होती है, तो उपभू में। पॉइंट एकदम सिंपल है, तो जब से क्लोज होगा ना, तो चंद्रमा जो है ना उपभू होगा, और जब क्लोज होते हैं चंद्रमा, तो उस पॉइंट को देखिए, मैंने दो यहां पे चंद्रमा को एक तरीके से रखा है, ये आपको दर्शाने के लिए कुछ पॉइंट को, क्या देखिए, ये चंद्रमा को देखिए थोड़ा छोटा है, और ये चंद्रमा को देखिए जब बड़ा है। फुल मून के दिन, जब हम पूर्णिमा के दिन कहते हैं, तो उपभू अगर नहीं हो, यानी कि पेरिजी की घटना नहीं हो, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक नहीं हो, देखो कितनी बार मैं एक ही बात को बोलता हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, यानी कि उपभू की घटना नहीं हो या पेरिजी की घटना नहीं हो, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के एकदम नजदीक नहीं हो, लेकिन उस दिन पूर्णिमा हो, तो चंद्रमा इतना ऐसा दिखाई देगा। लेकिन अगर पूर्णिमा हो और चंद्रमा पृथ्वी के एकदम नजदीक हो, जिसको बोलते हैं पेरिजी की घटना, उसको कहते हैं सुपर मून, क्योंकि चंद्रमा फिर थोड़ा सा अपने आकार में बड़ा दिखाई पड़ता है। देखो, दिखाई पड़ता है, आकार बड़ा नहीं हो जाता है। पॉइंट देखिएगा, जो आकार चंद्रमा का है वो तो रहेगा ही, जो आकार पृथ्वी का है वो तो आकार थोड़ी घट बढ़ जाएगा यार, वो तो दूर होने से या नजदीक आने के कारण हमें दिखाई प्रतीत होता है, ये इल्यूजन हमारा, हमें प्रतीत होता है कि ये बड़ा और छोटा है।
तो सुपर मून के दिन जब पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा होता है तो उसके आकार हमें 14% जरा बड़ा दिखाई पड़ता है, मोर देन 14% दिखाई पड़ता है। मैं बात बार बार बोलो, दिखाई पड़ता है नहीं, दोनों में अंतर है। इसको आप अपने खोपड़िया में अटका लो अच्छे तरीके से। होना जब मैं जो दिखता हूं वो आपके वीडियो पे, और मेरी लंबाई क्या है वो, दोनों में अंतर है। आप हमें देख करके नहीं अंदाजा लगा सकते कि मेरी लंबाई क्या है जब तक कि हम आपके सामने में ना आ जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो तो ये पॉइंट आप ध्यान में दे दीजिए, ठीक है। सुपर मून में क्या होता है कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है और अपने आकार से 14% ज्यादा दिखाई पड़ता है। पड़ता जैसे शब्द का प्रयोग कीजिएगा, हो गया सुपर मून। अब बात करते हैं ब्लू मून। यहां पे देख लिख लीजिए, हम ब्लू मून का फोटो नहीं लिखे हैं, नहीं रखे हैं इसमें, क्योंकि मेरा मन नहीं था कि हम ब्लू कलर के चंद्रमा को देखें, इसलिए नहीं रखे। चलो ब्लू मून क्या होता है वो हम बताते हैं कि अगर एक ही महीने में कोई ऐसा महीना आ जाए कि एक ही महीने में दो पूर्णिमा हो तो दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। फिर से बताऊं कि टू फुल मून इन ए मंथ, द सेकेंड फुल मून इज कॉल्ड ब्लू मून, ठीक है ना। तो सेकेंड फुल मून क्या होगा, ब्लू मून होगा। सेकेंड फुल मून इज ब्लू मून, ठीक है, इज ब्लू मून। हो गया, पॉइंट लिख लिए। अरे मैंने बोल भी दिया है, अगर अच्छे से नहीं लिखा है तो आप बोल के सुन लीजिए ना, इतना क्या आप हमको परेशान कर रहे हैं। चलो ठीक है, ब्लू मून। अब बात करते हैं ब्लड मून के बारे में। ब्लड मून, अब बात करते हैं हम लोग ब्लड मून के बारे में। ब्लड मून क्या है, तो देखो टोटल लूनर इक्लिप्स, पूर्ण चंद्र ग्रहण को ब्लड मून कहा जाता है। टोटल या आंशिक नहीं, पार्शियल नहीं, यानी कि होता है ना चंद्र ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, अभी हम ग्रहण पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। चंद्र ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पार्शियल और एक होता है फुल, यानी कि टोटल। एक होता है आंशिक और एक होता है पूर्ण, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूं। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण की जब घटना हो तो उसको कहा जाता है ब्लड मून। उसको क्या कहा जाता है, ब्लड मून, याद रखिएगा। तो ये ब्लड मून की घटना है, टोटल लूनर इक्लिप्सिस, ठीक है। चलो अब यहां पे एक पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको बड़े गौर से समझिएगा। 2018 के जनवरी को, यानी कि 31 जनवरी को, जो मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं क्लास ले रहा था और क्लास छोड़ करके और हम छत पे गए थे चंद्रमा को देखने के लिए। मैं फिर से बताऊं, 2018 के जनवरी के 31 जनवरी को 6:30 बजे के आसपास, 6:30 के आसपास, मुझे अच्छे तरीके से याद है, आप भी इसको इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, हम क्लास छोड़ करके और छत पे गए थे चंद्रमा को देखने के लिए। जानते हैं क्यों, क्योंकि उस दिन सुपर ब्लू ब्लड मून था, यानी कि ये जो तीनों घटना आपने पढ़ाया तीनों एक ही दिन था, और ये रेयर कॉम्बिनेशन है, कभी कभी होता है। मैं फिर से बताऊं, उस दिन सुपर ब्लू ब्लड मून था, दैट इज रेयर कॉम्बिनेशन, और ये कभी कभी होता है, इसलिए हमने क्लास छोड़ करके छत पे जाके चंद्रमा को देखा था, क्योंकि चंद्रमा को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, उससे कोई अल्ट्रावायलेट किरण नहीं निकलती जो हमारी आंखों को खराब कर सके, जैसा कि हम सन में अपने आप को एहतियात बरतते हैं कि हमको सन को नंगी आंखों से नहीं देखेंगे। कब, ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण के दौरान, ठीक है ना। पॉइंट समझ में आ गया, तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको वो डेट भी बता दिया है जो मैंने आपको देखा है। अगर डेट में कहीं कोई गड़बड़ हो तो उसके लिए आप हमें माफी कर दीजिएगा, लेकिन मैं बिल्कुल 90% कंफर्म हूं कि वही डेट है। हाँ, ये 100% कंफर्म हूं कि मैं छत पे क्लास छोड़ करके शाम के समय गया था 6:30 बजे, तो इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल कंफर्म हूं, और ये तीनों घटनाएं उसी दिन हुआ था। तो ये था सुपर ब्लू ब्लड मून, और ये थे चंद्रमा के बारे में छोटी सी घटना जो ने आपको साथ शेयर किया, और कुछ पृथ्वी के बारे में बात किया। पृथ्वी के बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं, और सोलर सिस्टम के बारे में उससे पहले बात किया। तो हम लोग बात कर रहे हैं ग्रहण और ज्वार भाटा, यानी कि इक्लिप्स और टाइड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा। इससे पहले हम लोग ने सोलर सिस्टम के बारे में बात किया था, आज थोड़ा सा हम इक्लिप्स के बारे में बात कर ले और ज्वार भाटा के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले इक्लिप्स की बात करते हैं। देखिए, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, इसको हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे आप लोग, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, हम हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में आपको हर चीज समझाया जाएगा, ठीक है। सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, यानी कि सौर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण,
सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए बड़ा सिंपल तरीके से शुरू करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैप पे हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, जब सन अर्थ और मून, जब सन अर्थ और मून एक ही सीधाई में आ जाए, यानी कि एक ही सीध में हो, तो इस घटना को सिजीगी कहते हैं। SYZYGY, इस घटना को क्या कहते हैं? सिजीगी। हर कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, इसको पॉइंट नंबर समझिएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से अगर सन मून अर्थ हो, मान के चलो कि अगर सन मून अर्थ हो जो एक ही दिशा में, तो भी इसी घटना को क्या कहेंगे? सिजीगी ही कहेंगे, सिजीगी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आप रखेंगे, इस घटना को क्या कहते हैं? सिजीगी। अब यहाँ पे इक्लिप्सेस की बात करते हैं, यानी कि अब हम ग्रहण की बात करते हैं, तो ग्रहण को हम एक मैप से भी दिखाते हैं। इस मैप को बना लीजिएगा और इसको सिजीगी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम ग्रहण की बात करते हैं। देखो ग्रहण में क्या है, जब सन अर्थ और मून, जब सन अर्थ और मून कुछ इस तरीके से हो, तो अर्थ का जो छाया है वो मून पे पड़ता है। तब क्या होता है? अर्थ का छाया मून पे पड़ता है, और इस तरह के फिगर जब हो तो इसको हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं चंद्र ग्रहण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण। ध्यान से समझिएगा, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए तो चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। अब ये तो मैंने टोटल लूनर इक्लिप्स बना दिया, क्योंकि पूरा का पूरा मून जो है ना, आप देख रहे हैं पृथ्वी की छाया मून पे पड़ रही है, पूरा का पूरा पड़ रहा है ना। मैं दूसरे कलर से आपको इसको नोट कर दूं, देखो पूरा का पूरा पृथ्वी पे का छाया मून पे पड़ रही है। लेकिन हो सकता है कि ये आंशिक भी हो, पूर्ण नहीं हो। तो आंशिक होने के लिए क्या होगा, यहां पे देख लीजिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं इक्लिप्स, ठीक है, इक्लिप्स का पहला घटना। आंशिक होने के लिए क्या होगा, तो यहां पे लूनर इक्लिप्स का पहला घटना। दूसरा घटना ये हो सकता है, दूसरा घटना कि सन सन अर्थ और मून, ठीक है, अगर इस कंडीशन में हो तो यहां पर भी मैं एक बनाता हूं, तो क्या होगा वो देखो, ये और ये, यानी कि इस कंडीशन में, दूसरे वाले कंडीशन में, ये पहला कंडीशन है और ये दूसरा कंडीशन है, तो ये हो जाता है टोटल लूनर इक्लिप्स, और ये हो जाता है पार्शियल, यानी कि लूनर इक्लिप्स, ठीक है, यानी कि आंशिक चंद्रग्रहण बोलते हैं। क्यों आंशिक चंद्रग्रहण? देखो ये टोटल पृथ्वी की छाया, सूर्य की वजह से पृथ्वी की छाया पूर्ण रूप से मून पे पड़ता है, लेकिन यहां पे पृथ्वी की छाया पूर्ण रूप से मून पे नहीं पड़ रहा है, आंशिक रूप से पड़ रहा है, मून के कुछ ही पार्ट आपको पृथ्वी की छाया में आ रही है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल लूनर इक्लिप्स, यानी कि आंशिक चंद्र ग्रहण, ठीक है, आंशिक।
आंशिक चंद्र ग्रहण, ठीक है, आंशिक चंद्र ग्रहण इसको बोलते हैं। लूनर इक्लिप्स के बारे में हमने यहां पे बात कर लिया। अब जब हम आपको सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण की बात करते हैं, अच्छा चलो लूनर इक्लिप्स के बारे में जो बात हम बताते हैं वो समझिएगा। ये क्या है कि जब भी चंद्र ग्रहण होगा, जब भी होगा तो वो फुल मून के डे होगा, यानी कि पूर्णिमा के दिन होगा, हमेशा, मतलब ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, ऑलवेज ऑलवेज ऑन फुल मून डे, ठीक है, ऑलवेज ऑन फुल मून डे, हमेशा पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होगा, याद रखिएगा। और चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होती है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पड़ती है। यहां पर भी दो तरीके की बात है, एक है टोटल लूनर इक्लिप्स यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण, जहां पूरा चंद्रमा पृथ्वी में छुप जाती है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण, एक होता है आंशिक चंद्र ग्रहण जहां पर चंद्रमा के कुछ ही भाग पृथ्वी की छाया, क्योंकि देखिए सूर्य का रोशनी पृथ्वी से होते हुए चंद्रमा पर आती है तो उसकी छाया पड़ती है, तो पृथ्वी की छाया पड़ती है आंशिक चंद्रग्रहण। और जब हम टोटल लूनर इक्लिप्स की बात करते हैं यानी कि पूर्ण चंद्रग्रहण की बात करते हैं तो यही होता है ब्लड मून, दैट इज कॉल्ड ब्लड मून, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। ध्यान से समझिए एक एक बात को बड़े गौर से, अगर यहां गौर से नहीं समझेंगे तो पॉइंट गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो लूनर इक्लिप्स हमेशा कब होगा, पूर्णिमा के दिन, हमेशा पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण होगा, इस बात को समझ लीजिएगा, लूनर इक्लिप्स का मतलब होता है चंद्र ग्रहण। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं और अब हम लोग बात करते हैं क्या बोलते हैं सोलर इक्लिप्स का। तो यहां पे लिख देता हूं मैं सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, ठीक है, सोलर इक्लिप्स का पहला घटना, हालांकि यह घटना उसी तरीके से है लेकिन इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। देखिए ये हो गया आपका सन, ये हो गया सूरज, उसके बाद यहां हो गया आपका, यह हो गया आपका मून यानी कि हो गया क्या, चंद्रमा, और यहां हो गया आपका अर्थ। तो ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है। अब उस वाले में क्या था कि सन अर्थ मून था, यहां पे सन मून अर्थ है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सॉरी सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो चंद्रमा का जितना बड़ा जगह है उसकी छाया पृथ्वी पे पड़ती है, तो उस छाया के पृथ्वी पड़ने से क्या होता है कि हमें पृथ्वी से सन का उतना ही भाग नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो सन के जो किरण है, जैसे देखो ये यहां पे है, ये अब इतना पॉइंट को यहां पे और एक दूसरा यहां पे ऐसे खींच देता हूं, ठीक है। अब यहां पे पॉइंट क्या है इसको आप देखने की कोशिश कीजिएगा, सन के पे मून पे पड़ा और मून जितना छाया को घेरता है उतना भाग हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ेगा, उतना भाग हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ेगा सन का, तो उसको बोलते हैं हम सोलर इक्लिप्स। जब सन का भाग हमें दिखाई नहीं पड़े पृथ्वी से तो उसको सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। जितना भाग अगर आंशिक है तो आंशिक और पूर्ण है तो पूर्ण, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का इक्लिप्स है। लेकिन इस इक्लिप्स में हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा कि मून बीच में होगा सूर्य और अर्थ के, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में हमेशा मून होगा, तो ये सोलर इक्लिप्स होगा। और सोलर इक्लिप्स जब भी होगा यानी कि सूर्य ग्रहण जब भी होगा, मैं यहां पे लिख दूं सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण जब भी होगा तो वो अमावस्या के दिन होगा, हमेशा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, फिर से हमेशा ठीक है, ऑलवेज ऑन न्यू मून, हमेशा चंद्रमा न्यू मून यानी कि अमावस्या के दिन होगा हमेशा सूर्य ग्रहण, ये बात ध्यान रखिएगा। और चंद्र ग्रहण कब होगा, हमेशा होगा पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण में क्या स्थिति बनती है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है,
और सूर्य ग्रहण में क्या स्थिति बनती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा सूर्य के उतने पार्ट को ढक लेता है और हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ता है, ये सूर्य ग्रहण है। और जितने पार्ट को ढकता है, जैसे कि ये मान के चलो ये सन है और ये सूर्य है, चंद्रमा है, तो ये इतना पार्ट हमारे पृथ्वी से हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो भाग हमें दिखाई पड़ता है उसको जरा हम एक बार यहाँ इसे कर लें, जो भाग हमें दिखाई पड़ता है ये वाला, ये आप समझ रहे हैं कि एक तरीके का रिंग की तरह दिखाई पड़ता है, रिंग की तरह, और इसी भाग को कहते हैं कोरोना। इसी भाग को क्या कहते हैं, कोरोना। और इस समय सूर्य ग्रहण के समय में बहुत ज्यादा मात्रा में यूवी रेज निकलती है और नंगी आंखों से देखने से हमारी आंखें खराब हो सकती है, हमारी आंखें खराब हो जाएगी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सूर्य ग्रहण की कहानी थी। और चलो मैं आपको एक बार इसको छोटा करके बताने की कोशिश करूं, ये सूर्य ग्रहण की कहानी थी और ये चंद्र ग्रहण की कहानी थी और ये सिजीगी की कहानी थी, सिजीगी। ये तीनों पॉइंट हमने यहाँ पे बताया, ये आप देख लीजिए लूनर इक्लिप्स, ये देखिए आपको सोलर इक्लिप्स और ये देखिए आपको सीजी की घटना। सीजी की घटना बहुत आसान है, जब तीनों एक सीध में हो चाहे जिस प्रकार से भी हो तो वो सीजी की कहलाती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में हो तो वो घटना सीजी की कहलाती है। चलिए इसको आप फोटो बना सकते हैं, इसको आप क्लिक कर सकते हैं और मैं आपको लेके चलता हूं अब पॉइंट्स पे। देखिए पॉइंट्स क्या कहलाता है वो देखिए, पॉइंट्स कहलाता है व्हेन द सन द अर्थ एंड द मून, यानी कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा आर एलाइन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि तीनों एक ही लाइन पे हो, जैसा कि हमने आपको बताया सन अर्थ मून तीनों एक ही लाइन पे हो तो वो पोजीशन क्या कहलाता है, सीजीगी, एस वाई जेड वाई जी वाई, सीजीगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है। लूनर इक्लिप्स के बारे में हमने क्या बताया कि व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून, यानी कि ये सन है और ये अर्थ है और ये मून है, अगर इसके बीच कुछ इस तरीके की कहानी बने तो उसको कहा जाता है लूनर इक्लिप्स। क्या कहा जाता है, चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा, फुल मून यानी कि पूर्णिमा के दिन होगा। हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होना, मैं इतना अच्छा से हिंदी में बात कर रहा हूं, ठीक है। कब होगा, हमेशा फुल मून यानी पूर्णिमा के दिन होगा। जब सोलर इक्लिप्स की बात करते हैं तो सोलर इक्लिप्स में क्या होगा, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो मून का जितना पार्ट सन को ढकेगा वो पार्ट सोलर इक्लिप्स हो कहेगा, यानी कि व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, यही बात है सन अर्थ के बीच में, दैट इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण कहते हैं इसको, सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण हमेशा कब होगा, न्यू मून को होगा यानी कि अमावस्या को होगा। हमेशा अमावस्या को होगा, यह बात आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि सोलर इक्लिप्स के समय में इतना अल्ट्रावायलेट रे निकलती है कि इसको जो है ना बहुत ज्यादा मात्रा में अल्ट्रावायलेट रे निकलती है, इसलिए इसको नंगी आंखों से नहीं देखते हैं, फोटोक्रोमिक प्लेट से देखते हैं। और मैं तो कहता हूं कि फोटोक्रोमिक प्लेट से भी क्यों देखना, यह रिस्क क्यों उठाना कि हम सूर्य को देख रहे हैं ग्रहण लगते हुए, अरे क्यों देखेंगे हम, कहीं फोटोक्रोमिक में कोई प्रॉब्लम हो, उसका फोटोक्रोमिक में छेद हो, कहीं किसी वजह से हो गया हो और वो आंख में आके पड़ जाए, तो फिर तो जो भी हम देख रहे हैं वो भी ना देख पाए। मतलब सूर्य ग्रहण देखने का इतना एक्साइटमेंट है, आप में इतना ज्यादा इनकरेज है कि आप जो है ना पूरे आंख खराब कर सकते हैं। अब जो रंगीनी आप देख रहे हैं वो भी समाप्त, अब लो लिए देख लो सूर्य ग्रहण जीवन भर के लिए, क्यों देखना है, टीवी पे देख लेंगे सूर्य ग्रहण, वो देखने से हमको क्या होगा, हम पढ़ रहे हैं ना, ज्ञान हमारा आ रहा है ना, नॉलेज में कोई कमी नहीं है ना, बस बात खत्म करो, ठीक है। चलिए और वैज्ञानिकों को देखने दीजिए, उनके पास अपने इक्विपमेंट होते हैं, वो अपने तरीके से चीजों को देखते हैं, आप वैज्ञानिक मत बनिए, आपको एसएससी करना है आप एसएससी कीजिए, बात खत्म, ठीक है ना। चलिए कोरोना, कोरोना जो मैंने आपको बताया, ड्यूरिंग फुल सोलर इक्लिप्स ये डायमंड रिंग अकर अराउंड द सन, सन के चारों तरफ एक तरीके के डायमंड रिंग बन जाते हैं, उसी को कोरोना कहते हैं। और वो कोरोना की तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं, यहाँ पे देखो ये है कोरोना, ये जो आसपास आपको दिख रहा है और बीच में जो सूर्य पे ग्रहण है दैट इज कोरोना,
दैट इज कॉल्ड कोरोना। ये कोरोना बीमारी वाला नहीं है, ये सूरज वाला कोरोना है। समझ में आ गया ना? एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो हो सकता है आजकल कोरोना क्वेश्चन दे दे और फिर आपको दो ऑप्शन बनाए, एक बीमारी वाला कोरोना, एक सूरज वाला कोरोना। तो वैसे में क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, ये कहना क्या चाहता है, बीमारी वाला कोरोना कहना चाहता है या ग्रहण वाला कोरोना कहना चाहता है, बड़ा ध्यान से देखिएगा और उसको टिक लगाइएगा। चलो ठीक है, तो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में हमने आपको बात किया। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होगा और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा? पूर्णिमा के दिन होगा, इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। चलिए ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं टाइड्स के बारे में, यानी कि हम लोग बात करते हैं ज्वार भाटा के बारे में। जो भी पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम पॉइंट को बताते हैं मैप के सहारे से। देखिए यहाँ पे एक मैप बनाता हूं मैं, एक मैप बनाता हूं, बड़े गौर से देखिएगा। देखिए ये सन है, ये सन है, ठीक है, ये सन है और ये अर्थ है। ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है ना। अब आपको हम टाइड के बारे में कुछ बात बता दे, ज्वार भाटा के बारे में बात कर दे। देखो ज्वार भाटा कब होता है कि जब सूर्य, पूरी बात समझना कि लिखा हुआ आपको सारा कुछ मिलेगा, पहले समझो, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों की गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पे पानी को यानी कि वाटर लेवल को, बड़े वाटर बॉडी को अपने तरफ खींचती है, तो उससे क्या होता है, समुद्रों में एक तरीके का ज्वार आता है और जब फिर एक अब ऊपर आएगा तो नीचे भी जाएगा, तो फिर वो नीचे जाता है, जिसको हम भाटा कहते हैं, ठीक है, ईव कहते हैं, तो टाइड्स एंड ईव। तो जब वो ज्वार आता है वो किस लिए आता है, तो ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सन एंड मून। मेरी बात ध्यान से समझ में आ गया, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगला पॉइंट बड़े गौर से समझना कि पृथ्वी पर ज्वार यानी कि टाइड आने में सबसे ज्यादा किसका योगदान है, तो सबसे ज्यादा योगदान मून का है, चंद्रमा का है, यानी कि पृथ्वी पर ज्वार आने का योगदान चंद्रमा का है। इसके पीछे कारण क्या है, सूर्य भले ही बहुत शक्तिशाली हो, सूर्य भले ही उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो, सूर्य भले ही बहुत बड़ा हो, लेकिन सूर्य पृथ्वी से इतना दूर है कि उसकी ग्रेविटी, उसकी ग्रेविटी ज्वार लाने के लिए एप्रोप्रिएट नहीं होता है, बहुत ज्यादा असर नहीं डालता है। लेकिन क्या बोलते, चंद्रमा भले ही पृथ्वी से भी छोटा हो, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी से बहुत कम हो, 1/6 है, आप जानते हैं पृथ्वी का 1/6 है चंद्रमा की ग्रेविटी, मून ग्रेविटी इक्वल टू 1/6 टू द अर्थ, ठीक है। तो भले ही ग्रेविटी 1/6 हो, लेकिन ज्वार लाने में यानी कि टाइड्स लाने में चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा वर्क करती है, क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत ज्यादा क्लोज है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है इन कंपैरिजन टू सन एंड अर्थ। मेरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा। अब यहां से एग्जाम का क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि पृथ्वी पे यानी कि ज्वार, पृथ्वी पे नहीं, ज्वार लाने में टाइड्स में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है। ऑप्शन में सूर्य और चंद्रमा दोनों रहेगा, तो आप चंद्रमा टिक करके आएंगे, गलत करके नहीं आइएगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये नहीं कि सन आप देख लिए बहुत बड़ा है तो सन को टिक कर लीजिए, चंद्रमा ज्वार लाने में सबसे ज्यादा योगदान देता है, याद रखिएगा, चंद्रमा की ग्रेविटी ज्वार को लाने में, टाइड को लाने में सबसे ज्यादा योगदान देता है पृथ्वी पे, ध्यान रखिएगा इस बात को। हो गया पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे है कि जब चंद्रमा और सूर्य दोनों एक ही सीध में आ जाए, दोनों एक ही सीधी में आ जाए, तो उसको सीजीगी की घटना कहते हैं। तो जब जब सीजीगी की घटना होगी तब तब हाई टाइड होगा, जब जब सीजीगी की घटना होगी तब तब हाई टाइड होगा। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोटो बना करके दिखाता हूँ टाइड्स के बारे में। देखिए ये सन है, ये अर्थ है, और अगर मून यहाँ आ जाए, मून यहाँ आ जाए, तो ये तीन दोनों की ग्रेविटी पृथ्वी पर जो वाटर लेवल है उसको अपनी तरफ खींचेगी और ये हाई टाइड होगा। हाँ
हम इसके बारे में बात करेंगे, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हाई टाइड होगा। हाई टाइड का एक और कहानी में आता हूं, ये चारों तरफ पानी मैंने किया है। नंबर वन, नंबर टू, हाई टाइड के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नंबर टू ये हो गया, ये हो गया अर्थ, और ये हो गया मून। इस हालात में भी हाई टाइड होंगे, इस हालात में भी हाई टाइड होंगे, इस हालात में भी हाई टाइड होंगे। क्यों हाई टाइड होंगे? क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा का ग्रेविटी जो है ना, सूर्य की ग्रेविटी से ज्यादा वर्क करता है इन द मैटर ऑफ टाइड्स। तो इस वजह से यहाँ पे हाई टाइड होंगे चंद्रमा की तरह। और ये भी घटना क्या है? सीजीगी की घटना है, ये भी सीजीगी घटना एक साइड में, उस समय भी हाई टाइड है, इस समय भी हाई टाइड है। उस समय भी हाई टाइड, इस समय भी हाई टाइड है, समझ में आया ना? तो हाई टाइड के दो घटना है, या तो सन या मून और तीनों एक सीध में आ जाए, और एक सीध दोनों तरीके से हो सकता है, या तो मून बीच में हो सकता है या अर्थ बीच में हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हाई टाइड आएगा। यानी कि या तो घटना फुल मून को हो या न्यू मून को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हाई टाइड ऑलवेज ऑन न्यू मून एंड फुल मून। यानी कि जो ऊंचा ज्वार आता है वो हमेशा पूर्णिमा और अमावस्या को आता है। जो ऊंचा ज्वार आता है वो हमेशा कब आता है? पूर्णिमा और अमावस्या को। अब हम लो टाइड के बारे में बात करते हैं। ये पॉइंट हो गया ना, अब चलो लो टाइड के बारे में बात करते हैं। लो टाइड, लो टाइड कब होगा वो देखिए। लो टाइड ये सन है, ये अर्थ है, और मून को यहां पे लेके आ जाते हैं या यहां पे लेके आ जाते हैं। अब या तो मून यहां होगा या यहां होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इलिप्टिकल कक्षा में जो है ना, अर्थ के मून परिक्रमा करती है। तो मून या तो ऊपर यहां होगा, यहां होगा तो हाई टाइड होगा, यानी कि एक सीध में आएगा तो हाई टाइड होगा। लेकिन यहां पे क्या स्थिति बन रही है वो देखिए। यहां पे स्थिति बन रही है कि एक दूसरे को वो बैलेंस कर रही है, एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। दोनों ही हालात में एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो अगर बैलेंस करने की कोशिश कर रही है तो यहां पर हम बना सकते हैं कि टाइड तो आएगा ही आएगा, टाइड को तो कोई नहीं रोक सकता है, याद रखिएगा। लेकिन वो लो टाइड होगा, लेकिन क्या होगा? लो टाइड, क्योंकि मून के ग्रेविटी ज्यादा होता है तो मून तो अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन इस स्थिति में सन ने भी थोड़ा सा इसको बैलेंस करने की कोशिश किया है, तो इसलिए इसको कहते हैं लो टाइड। इसलिए क्या कहते हैं इसको? लो टाइड, ठीक है। इस तरीके से एक और घटना बन सकता है। मैं नीचे वाले घटना को मिटा दूं और एक दूसरा फोटो बना दूं नीचे वाले घटना को मिटा के। सन, अर्थ, मून, ठीक है। अब इस घटना में भी आप देखिए कि ये यहां पे और ये यहां पे एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, 90 डिग्री एंगल पे आ रहा है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, सॉरी ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है कि राइट एंगल तो बन रहा है ना, देख रहे हैं ना, राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो राइट एंगल बन रहा है, अब दोनों को बैलेंस कर रहा है। लेकिन चूंकि मून की ग्रेविटी, जो कि हमेशा से मैं बताते आ रहा हूं कि मून की ग्रेविटी ज्यादा वर्क करती है इन कंपैरिजन टू अर्थ, और मून टाइड लाने के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो टाइड तो लाएगा, लेकिन बस वही पॉइंट है जो मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूं। टाइड तो लाएगा लेकिन लो टाइड होगा, क्योंकि यहां पर सन इसको क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। तो इस स्थिति में भी लो टाइड होगा।
स्थिति में भी क्या होगा, लो टाइड होगा। तो अब लो टाइड की कहानी कब बनेगी ये देखिए, तो लो टाइड की कहानी हमेशा कब बनेगी, तो लो टाइड की कहानी अब यहां पे अगर पृथ्वी को घूमने में, ध्यान से रखिएगा मैंने कहा था कि चंद्रमा को पृथ्वी में, पूरी कॉन्सेप्ट को यहां पे याद रख लीजिएगा, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में 27 दिन कुछ घंटे लगते हैं, यानी कि 28 दिन लगभग में लगता है। तो 28 दिन को अगर हम चार भागों में बांट दे तो 7 × 28 चार भागों में बांट दे तो 7 × 28 यानी कि अगर मून यहां है, मान के चलो ये मून यहां है, तो ऐसे 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 पहुंचने में कितना, यहां पे 7 दिन, ऐसे 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 पहुंचने में कितना, यहाँ पे 7 दिन, ऐसे ऐसे पहुंचने में यहाँ पर कितना, यहाँ पे 7 दिन, यहाँ पे ऐसे 7 दिन, यानी कि 28 दिन में बट गया। तो हर 7वां 8वां दिन लो टाइड होगा, एवरी 8 डेज लो टाइड होगा, यानी पूर्णिमा के 8 दिन के बाद लो टाइड होगा या अमावस्या के 8 दिन के बाद लो टाइड होगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि हर 7वां 8वां दिन लो टाइड होगा, निम्न ज्वार होगा, ठीक है, हर 7वां 8वां दिन लो टाइड होगा, निम्न ज्वार होगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, तो एवरी 7 और 8 डे इज द डे ऑफ लो टाइड, एवरी 8th या 7th डे इज द डे ऑफ लो टाइड। और किस तरीके से मैंने डे को कैलकुलेट किया वो देखिए, चूंकि मैं बता रहा हूं कि यहां पे अगर मून है, तो यहां पे अगर मून है तो यहां से यहां तक मून को पहुंचने में 7 दिन लगेंगे, यानी हाई टाइड से इस जगह पे आने में 7 दिन, फिर यहां से 7 दिन लगेंगे तो यहां पे हाई टाइड हो जाएगा, लेकिन यहां पे मून है तो, लेकिन अगर यहां आ गया फिर 7 दिन के बाद मून, तो ये लो टाइड का एरिया है, ये हाई टाइड का एरिया है, ये लो टाइड का एरिया है, ये हाई टाइड का एरिया है, समझ में आ रहा है, ये हाई टाइड का एरिया है, ये हाई टाइड का एरिया है, लेकिन ये लो टाइड का एरिया और ये लो टाइड का एरिया है। तो हर इसमें कितना दिन लगता है, 7 दिन, क्योंकि 28 दिन में चंद्रमा जानते हैं कि पूरा पृथ्वी को चक्कर लगाती है, तो उसको हम चार भागों में बांट दिए, तो हर 7वां 8वां दिन लो टाइड होगा और हर पूर्णिमा और अमावस्या को हाई टाइड होगा। और ये कंडीशन दो बनते हैं, और टाइड लाने में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल किसका होता है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी चंद्रमा का होता है। अब एक और पॉइंट यहां पे, ये लो टाइड हो गया, अब तीसरा कॉन्सेप्ट इसको बड़े गौर से समझिएगा, हाई टाइड हो या लो टाइड हो, तीसरा कॉन्सेप्ट, मैं एक टाइड बना लेता हूं एस, अर्थ, मून, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये हाई टाइड बनाएगा, आपको पता है क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों की शक्ति खींच रही है अपने तरफ, दोनों साथ मिलकर खींच रही, तो हाई टाइड बनाएगा। तो देखो हाई टाइड बनाया, लेकिन ठीक उसी समय, मेरी बात को बड़े गौर से समझनी है, बहुत गौर से, लेकिन ठीक उसी समय, बिल्कुल उसी समय अगर आप गौर करेंगे या फिर आपको नॉलेज हो, तो पृथ्वी के दूसरे तरफ भी हाई टाइड भी बनते हैं। जैसे देखो यहां पे, यहां भी हाई टाइड, ठीक है, ठीक उसी समय पृथ्वी के दूसरे तरफ भी हाई टाइड ही बनते हैं। किस लिए टाइड बनते हैं, वो इसलिए बैलेंस करने के लिए, और इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक तरफ ये यहां पर देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, अर्थ के रोटेशन को बैलेंस करने के लिए, और इसको बैलेंस करने के लिए एक तरफ क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इस वजह से अगर इस तरफ टाइड आएगा तो इस दूसरे तरफ पृथ्वी के दूसरे हिस्से में भी टाइड आएगा, और ये टाइड किस लिए आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, और ये वीवीआई है। इसको अगर समझना है तो कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर एक तरफ से हम वजन उठाते हैं तो हम दूसरी तरफ इस तरीके से झुक जाते हैं बैलेंस करने के लिए,
बैलेंस करने के लिए। तो अगर एक तरफ टाइड आएगा तो दूसरी तरफ भी टाइड आएगा बैलेंस करने के लिए अर्थ के रोटेशन को। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण भी टाइड आते हैं, इसको भी आप ध्यान में आप रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो गलत करके मत आइएगा, बिल्कुल भी गलत करके नहीं आइएगा। टू बैलेंस द रोटेशन एंड बैलेंस द पावर ऑफ अर्थ या रोटेशन ऑफ अर्थ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दूसरी तरफ टाइड लाते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण भी टाइड आता है दूसरी तरफ, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब चूंकि आपने ये सारी चीजों को एक साथ देखा है, ठीक है, ये सारी चीजों को मैंने एक साथ कर देता हूं मैं टाइड को, ठीक है। चूंकि आपने ये सारे फिगर को एक साथ देखा है कि यहाँ पर किस तरीके से हाई टाइड का निर्माण हो रहा है जब सीजीगी की घटना है, और ये हमेशा न्यू मून और फुल मून को होता है, ठीक उसी तरीके से किस तरीके से लो टाइड का निर्माण आपने देखा जो सातवें आठवें दिन हमेशा होता है, और किस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी टाइड का निर्माण में योगदान देता है, ये बात भी आपने देखा। अब इन सारे चीजों को हम लिखित में देखते हैं, यानी कि हमने क्या रिटेन में लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, देख लीजिएगा। देखिए हमने क्या बताया कि राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन वाटर लेवल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड मून रेफर टू एज टाइड, यानी कि सन और मून यानी चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो समुद्री जलधाराओं में या समुद्र के जल में उठाव और पटक यानी कि ऊपर या नीचे होता है उसको कहते हैं राइज एंड फॉल, लिखा हुआ है उसको क्या कहते हैं टाइड्स कहते हैं, टाइड्स एंड ईव लिख सकते हैं ईव, क्योंकि नीचे आ जाने की घटना को ईव कहते हैं। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने कहा था, मून ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क ट्वाइस दैट ऑफ द सन बिकॉज द सन इज ग्रेटर डिस्टेंस देन द मून फ्रॉम द अर्थ। मैंने क्या कहा कि मून की जो गुरुत्वाकर्षण बल है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा में ज्यादा वर्क करता है, दुगना ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है अगर हम कंपैरिजन करें मून और पृथ्वी के डिस्टेंस के बीच में। तो ये बात हमने बताया और हिंदी में भी बोल दिया, ठीक है हो गया, ये बात मैंने पहले भी समझाया था। चलिए एवरी प्लेस हर जगह अलोंग द कोस्ट यानी कि एवरी प्लेस अलोंग द कोस्ट एक्सपीरियंस टाइड्स ट्वाइस इन 24 आवर्स, ये क्या कहता है कि 24 घंटे में दो बारी ज्वार और भाटा आती है हर जगह जो कोस्टल इलाका है जो तटीय क्षेत्र वहां पे 24 घंटे में दो बारी ज्वार और भाटा आएंगे, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम का है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा कि 24 घंटे में कितने ज्वार और भाटा आते हैं, तो दो ज्वार और दो भाटा आते हैं 24 घंटे में, ठीक है ना, कोस्टल इलाकों में, ये बात हो गया। चलिए अब अगला पॉइंट यहां पर ये, द कंबाइंड फोर्स ऑफ सन एंड द मून रिजल्ट इनटू हाई टाइड और स्प्रिंग टाइड, इट हैपन ऑन फुल मून एंड न्यू मून, यानी कि सूर्य और जो चंद्रमा है उसका जो क्या बोलते हैं कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक साथ लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण ज्यादा ऊंचा ज्वार आता है, और वो कब होता है फुल मून को और न्यू मून को, यानी कि पूर्ण चंद्रग्रहण और सॉरी पूर्ण पूर्णिमा और अमावस्या को होता है, ये बात हमने आपको पहले भी आपको समझा दिया है। चलिए अगला पॉइंट है, व्हेन द सन अर्थ एंड द मून अलाइन इन राइट एंगल पोजीशन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड मून वर्क अगेंस्ट ईच अदर व्हेन नीप और लो टाइड्स आर हैपन दिस पोजीशन ऑन द 7th एंड 8th डे। अब ये मैंने आपको जो बताया उसको मैंने आपको फोटो बनाकर बताया है कि जब सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करने लगे, एक दूसरे के विपरीत वर्क करना लगे, जैसे कि हमने आपको राइट एंगल में दिखाया था, तो वैसे स्थिति में छोटा ज्वार आता है जिसको नीप या लो टाइड बोलते हैं, नीप भी बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम को बना सकता है कि लो टाइड को क्या बोलते थे नीप, नीप या लो टाइड आता है, छोटा ज्वार आता है, और ये हमेशा कब होता है सातवें या आठवें दिन, किस दिन के हाई टाइड के सातवें या आठवें दिन, यानी कि पूर्णिमा के सातवें आठवें दिन हो या अमावस्या के सातवें आठवें दिन हो, ये बात हमने मैप से भी आपको बताया और वही बात हमने यहां पे आपको लिख के बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है कि द पार्ट ऑफ अर्थ फेसिंग मून एक्सपीरियंस ए टाइड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून बट द सेम टाइम पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन द अपोजिट साइड ऑल्सो एक्सपीरियंस टाइड दैट इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू बैलेंस द रोटेशन ऑफ अर्थ। ये बात हमने आपको बताया कि चूंकि चंद्रमा टाइड लाने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बात हमने शुरू में आपको बताया कि इस चंद्रमा के कारण ही हमारे यहाँ ज्वार आता है क्योंकि सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स कम वर्क करती है।
अब पॉइंट यहां पर जो है वो क्या है कि चूंकि चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण जब टाइड आते हैं तो ठीक उसी तरीके से उसी समय पृथ्वी के दूसरे साइड में अपोजिट साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण भी टाइड आते हैं, चाहे लो हो चाहे हाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण भी दूसरी तरफ भी टाइड आते हैं, और ये बैलेंस करने के लिए, पृथ्वी के रोटेशन को बैलेंस करने के लिए पॉइंट ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ऑटोमेटिक, इसको कोई लगाया नहीं जाता, ऑटोमेटिक लगता है। तो इस पॉइंट को आप यहां पे ध्यान में रखेंगे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से टाइड कहां आते हैं, तो आप वहां पे ऑप्शन बना सकते हैं कि चंद्रमा के टाइड के विपरीत, यानी कि पृथ्वी के दूसरे तरफ आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा अपोजिट तरफ, जो मैंने आपको बनाया था कि ये अर्थ है, और अगर कुछ इस तरीके से आया है टाइड तो यहां भी आएगा, यहां मून के कारण आएगा और यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आएगा, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आएगा, ये बात हमने आपको बताया, ठीक है। अगला पॉइंट है कि हाईएस्ट टाइड इज द मैक्सिमम इन बे ऑफ फंडी, यानी कि बे ऑफ फंडी जो कनाडा के पास है वहां पे सबसे ऊंचा ज्वार आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम का बना है कई बार, आगे भी बनेगा, ठीक है ना, कि बे ऑफ फंडी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। और अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बना है कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन एक जगह है, इंग्लैंड में साउथहैम्पटन एक बिल्कुल जगह है जो इंग्लैंड के एकदम साउथ कॉर्नर में है, नाम से ही दिख रहा है साउथ है, ठीक है, साउथहैम्पटन जगह है, वहां पे पूरे 24 घंटे में चार ज्वार चार भाटा आते हैं, यानी कि हमने आपको बताया था कि 24 घंटे में दो ज्वार दो भाटा आते हैं, लेकिन साउथहैम्पटन एक ऐसे जगह पे है जहां पे पूरे दिन में यानी 24 घंटे में चार बारी ज्वार और भाटा आता है। वही बात हमने कहा कि एक्सपीरियंस टाइड फोर टाइम्स इन ए डे, फोर टाइम्स, ये किस तरीके से आता है, तो देखो चूंकि इंग्लैंड के एक तरफ अटलांटिक महासागर है, दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर है, और एक तरफ कौन सा है, नॉर्थ सी है, यानी कि उत्तरी सागर है, और इसको जोड़ने का काम करता है इंग्लिश चैनल, कौन जोड़ने का काम करता है, इंग्लिश चैनल, तो दो टाइड इंग्लिश चैनल के वजह से साउथहैम्पटन में आता है और दो टाइड नॉर्थ सी के वजह से आता है, तो ट्वाइस फ्रॉम इंग्लिश चैनल एंड ट्वाइस फ्रॉम नॉर्थ सी, ठीक है, ट्वाइस फ्रॉम इंग्लिश चैनल ट्वाइस फ्रॉम नॉर्थ सी। तो आपका काम क्या है कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैप को, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप हमेशा मैप अपने पास दो रखे, एक फिजिकल पॉलिटिकल वर्ल्ड, फिजिकल पॉलिटिकल इंडिया, अब आप क्या कीजिए कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जाइए इंग्लैंड खोजिए, या उसी के ठीक साथ में फिजिकल ज्योग्राफी जाके इंग्लैंड खोजिए और देखिए कि इंग्लिश चैनल कहाँ है और नॉर्थ सी कहाँ है वहां पे। अब चूंकि आप जानते हैं कि दोनों जगह से टाइड आएंगे तो दोनों का दो दो टाइड आकर के यहाँ पे चार टाइड बना देता है इंग्लैंड के साउथहैम्पटन नामक इलाकों में। तो टाइड से लेकर के हमने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है, हमने आपको फोटो भी बना दिया, यानी कि फिगर बना के समझाया है अच्छे तरीके से, उसको खूब अच्छे से समझिएगा, अगर फिर भी समझना है तो कमेंट कीजिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन बनाइए, और किस तरह कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए। हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है थ्योरीज और ये थ्योरी हमें क्या बताती है। दरअसल इस थ्योरी के बारे में मैं छोटा सा बात आपको बता दूं, तो ये कहना चाहती है कि आज दुनिया जिस तरीके से एग्जिस्ट करती है, खास करके जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह है जिस तरीके से एग्जिस्ट करती है, क्या ये वैसा ही था, और इसके एग्जिस्टेंस के पीछे कौन सी पावर वर्क कर रही है, और इसके एग्जिस्टेंस के कारण क्या कुछ निर्माण हुआ है हमारे पृथ्वी पे, हम उन सारे छोटे छोटे बातों को यहाँ पे करने की काम करेंगे, और एग्जाम के भी क्वेश्चन यहाँ से हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हिंदी वाले बच्चों को हम बता दें कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब होता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का मतलब होता है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, हम इस दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, दोनों थ्योरीज को खूब अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी हम यहां पे इकट्ठा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग, सबसे पहले ये आपके सामने में जो दिख रहा है ये प्लेट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एक छोटा सा मैप है जिसके सहारे से हम इस पूरे थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके सहारे से हम ये पूरे थ्योरीज को समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सबसे पहला पॉइंट कि इस थ्योरी को दिया किसने था, किसने इस थ्योरी को प्रपोज्ड किया था, किसने इस थ्योरी को निर्माण किया था या इसको दिया था, तो अल्फ्रेड बेगनर साहब ने इस थ्योरी को प्रपोज्ड किया था, अल्फ्रेड बेगनर साहब ने इस थ्योरी को का निर्माण किया था। अल्फ्रेड बेगनर साहब ने कहा था कि पूरी दुनिया, यहां पे एक बात ध्यान में अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा,
कि पूरी दुनिया जहां आज एग्जिस्ट करती है, जो आप चौथे नंबर का मैप देखिए, मैं यहां पे नंबरिंग कर देता हूं, पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा और ये चौथा नंबर का है, ठीक है ना। तो आप चौथे नंबर के मैप को देखिए, पूरी दुनिया आपको दिख रहा है यहाँ पर इस तरीके का है। तो अल्फ्रेड बेगनर साहब कहते हैं कि जो पूरी दुनिया आज इस तरह की दिख रही है वो दरअसल ऐसी थी नहीं, वो किसी और प्रकार की थी। तो कैसी थी? तो वो कहते हैं कि वो कुछ इस प्रकार थी, यानी कि सारी दुनिया के जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, आप जानते हैं कि सात कॉन्टिनेंट की बात हम लोग करते हैं, तो जितने भी कॉन्टिनेंट हैं सब के सब एक दूसरे से बिल्कुल इनक्लोज था, सब एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए थे, और सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था पूरे दुनिया में, सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था, ऐसा अल्फ्रेड बेगनर साहब कहते हैं। और उसके बाद उस एक कॉन्टिनेंट से पूरे दुनिया में सात कॉन्टिनेंटों का निर्माण हुआ है। तो वो किस प्रकार से हुआ है? वो बात हम यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पॉइंट को देने के लिए उन्होंने कहा कि ये जो निर्माण प्रक्रिया हुआ है, उस प्रक्रिया के जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स ऑफ बियॉन्स यानी कि उत्प्लावनता बल, और टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून यानी कि मून और सन के द्वारा जो ज्वारीय ऊर्जा होती है वो इसके कारण है, इस कॉन्टिनेंटल शिफ्ट का, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन का। अब चलिए इस थ्योरी को समझते हैं, ये थ्योरी क्या कहलाता है, बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। मैं बिल्कुल शुरुआत से चीजों को बात करना चाहूंगा। अल्फ्रेड बेगनर साहब ने कहा, अच्छे से समझना, ठीक है, खूब अच्छे से, अल्फ्रेड बेगनर साहब ने कहा कि जब पूरी दुनिया एक साथ था, एक साथ, तो एक ही कॉन्टिनेंट था, यानी कि रैदर कि हम उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जैसे महादेशों की बात करें, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया एक ही थी, एक कॉन्टिनेंट था, और इस एक कॉन्टिनेंट का नाम इन्होंने दिया था पैंजिया। जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखते हुए भी चले अपने कॉपी में नोट्स बना के, इस एक ही कॉन्टिनेंट का नाम इन्होंने क्या दिया था? पैंजिया, यानी पूरी दुनिया एक ही कॉन्टिनेंट है और उसको उन्होंने पैंजिया नाम दिया। और दूसरा पॉइंट कि पूरी दुनिया में जो हम महासागर पढ़ते हैं कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, कुछ इस तरीके की बातें पढ़ते हैं, तो इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में एक ही महासागर था, एक ही ओशियन था, और इसका नाम इन्होंने रखा पैंथासाला। तो एक ही महासागर जिसका नाम क्या रखा? पैंथासाला, और एक ही ओशियन जिसका नाम क्या था, सॉरी, एक ही ओशियन जिसका नाम था पैंथासाला या महासागर, और एक ही कॉन्टिनेंट, एक ही महादेश जिसका नाम था पैंजिया, यानी सब एक दूसरे के साथ थे, समय के साथ एक दूसरे से दूर होना शुरू हुए। ये समय के साथ आप देख रहे हैं कि ये 225 मिलियन ईयर एगो है, लेकिन ठीक दूसरा फिगर आप देखेंगे तो 150 मिलियन ईयर एगो, यानी कि 150 मिलियन ईयर एगो के बाद, यहाँ पे 150 मिलियन वर्ष के समय में सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर जाना शुरू हुए। और ये दूर किस कारण से हुए, वो बात मैंने आपको पहले बता दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ बियॉन्स यानी कि उत्प्लावनता बल, और सूर्य और चंद्रमा के द्वारा जो ज्वारीय ऊर्जा निकलती है वो इस कॉन्टिनेंट को एक दूसरे से, इसको एक दूसरे से दूर जाने के लिए प्रेरित किया, और ये एक दूसरे से दूर जाने लगे। तो यहां पर देखो, पूरे मैप को बड़े गौर से देखना, यहां पर देखिए आप मैप को किस तरीके से सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, और ठीक यहां पे इस मैप को देखिएगा किस तरीके से एक दूसरे से दूर जाना यहां पर शुरू कर दिया है। आप देखिए गौर से, आप गौर से देखिए किस तरीके से एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर दिया है, यहां पर भी आप दूसरे एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो गया। इसमें आप देखिएगा ये इंडिया है जहां पे मैंने आई लिखा है वो इंडिया है, ये भी इंडिया है जहां पे मैंने आई लिखा है वो इंडिया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद फिर आप तीसरे फिगर पे आते हैं, तो आप क्या पाते हैं कि 100 मिलियन ईयर एगो तीसरे फिगर पे एक दूसरे से और दूर जाना शुरू होते हैं और एक कॉन्टिनेंट का रूप लेना शुरू हो जाता है, मतलब प्रेजेंट रूप में तो नहीं है लेकिन एक रूप लेना शुरू हो जाता है। और फिर वहां पे आप देखते हैं कि यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, और ये इंडिया, जो बात हमने यहाँ पे करते हुए आए हैं ये इंडिया। फिर समय के साथ, चूंकि ये समय बीतता चला जा रहा है, फिर समय के साथ जब आज के समय में पहुंचता है तो कुछ इस तरीके के कॉन्टिनेंट नजर आते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोलते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोलते हैं। तो अब आप देखिए कि इंडिया यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना, पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि पहले सब एक जैसे थे और समय के साथ ही एक दूसरे से दूर जाना शुरू हुए, समय के साथ, जैसा कि आप मैप आपको दिखा रहे हैं, और वो किस प्रकार से हुआ वो बात यहाँ पे हमने लिखा है।
आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अल्फ्रेड बिगनर साहब ने क्या कहा, उसको बड़ा गौर से समझिएगा। इन्होंने कहा, मैं सबको फिर से एक बार मिटाता हूं, इन्होंने कहा कि ये चूंकि पृथ्वी के बीचों बीच का पॉइंट है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। पहले मैं फिर से एक बार बता दूं कि पूरे कॉन्टिनेंट जब एक था तो उसको पैंजिया कहा, और पूरा महासागर जब एक था तो उसको पैंथासाला कहा, इसको जरूर लिख लीजिएगा। तो इसको इन्होंने 0 डिग्री माना, या 0 डिग्री है भी पृथ्वी का सेंटर है। तो इन्होंने कहा कि जो नॉर्थ है यानी कि उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर जो चट्टान है, यहाँ पर जो चट्टान है, यहाँ पर जो बासी है, यहाँ की जो भी चीज है, उसको उन्होंने क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड कहा, अंगारा लैंड, या इसको इन्होंने कहा लॉरेंसिया। अंगारा लैंड या लॉरेंसिया कहा अल्फ्रेड बिगनर ने। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, उसको इन्होंने कहा गोंडवाना लैंड। इसको इन्होंने क्या कहा, गोंडवाना लैंड, जो दक्षिणी गोलार्ध है उसको गोंडवाना लैंड कहा। अब पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा तो आप क्या पाएंगे कि ये इंडिया है, जैसा कि हम आपको पहले से बताते आ रहे थे, ये क्या है, इंडिया है। अब इंडिया है, और इंडिया कहां है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है ना। देखो यहां पर इंडिया कहां है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, यहां पर भी मैं 0 कर दूं तो ठीक है। ये कहां है इंडिया, साउदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आपको दिखाई दे रहा है ना, इंडिया साउदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देने का मतलब क्या है कि इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम प्रेजेंट डे की बात करते हैं यानी कि अभी की बात करते हैं, तो मैं फिर से एक बार 0 डिग्री यहां पर निकाल दूं और इसको 0 डिग्री करूं, इसको 0 डिग्री करूं, तो इंडिया आपको नॉर्दर्न गोलार्ध में दिखाई पड़ती है। देखो नॉर्दर्न गोलार्ध में, यहाँ पे आपको साउदर्न गोलार्ध में दिखाई पड़ती है दक्षिणी गोलार्ध में, और यहाँ पे आपको नॉर्दर्न गोलार्ध में दिखाई पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में। तो क्या इंडिया गोंडवाना हुआ या अंगारा, क्योंकि नॉर्दर्न गोलार्ध वाले को तो उन्होंने अंगारा या लॉरेंसिया लैंड कहा था, और दक्षिणी गोलार्ध वाले को गोंडवाना लैंड कहा था अल्फ्रेड बिगनर साहब ने। तो इंडिया के बारे में देखिए कि इंडिया लॉरेंसिया का है या गोंडवाना का है, तो वो देखिए। तो इंडिया चूंकि नॉर्दर्न गोलार्ध में आज के डेट में है, लेकिन ये इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है, जैसा कि आप यहां पे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इंडिया का जो ओरिजिन है, जहां से वो निकला है, वो गोंडवाना लैंड का ओरिजिन है। इसलिए इंडिया के जो खास करके जो प्रायद्वीपीय भारत है, जिसको हम दक्षिणी भारत के रूप में जानते हैं, मध्य भारत से दक्षिणी भारत के रूप में जानते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो चट्टाने हैं, रॉक है, वो यहां पे पाए जाते हैं। दुनिया में जो सबसे पुराने चट्टान है वो यहां पे पाए जाते हैं, अरावली उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, इस बात को समझिएगा। तो इंडिया क्या है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। आप जान रहे हैं किस लिए गोंडवाना लैंड का पार्ट है, क्योंकि इंडिया साउदर्न हेमिस्फीयर का था, ड्रिफ्ट होकर के। अब कैसे ड्रिफ्ट हुआ, तो ये बात हमने बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ बियोंसे, और जो बात हमने आपको बता दिया, फोर्स ऑफ सन एंड मून का टाइडल फोर्स, ठीक है। तो इंडिया का जो प्लेट है, जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा, आप वहां पे शिफ्ट हुए हैं दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ, जो कि आपको साफ साफ यहाँ पे मैप पे दिखाई दे रहा है। तो चूंकि वो उत्तरी गोलार्ध में आ गया, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में आ गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अंगारा लैंड का हो गया, उसका जो बेसिक नेचर है वो वही होगा जो यहाँ पे है, यानी कि ये गोंडवाना लैंड के नेचर के हैं। तो इसलिए इंडिया का प्लेट, खास करके साउदर्न, सॉरी पेनिनसुलर इंडिया, उसको हम गोंडवाना लैंड का इंडिया कहते हैं। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझिएगा। अब अगला पॉइंट यहां पे ध्यान दीजिएगा, फिर से हम इंडिया के बारे में, हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा रहे हैं, और आप हमको सुनकर के क्या क्या नोट्स बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं अच्छे तरीके से मैप को समझा करके आपको बताता हूं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ही एक बात हमको स्पष्ट नजर आता है, जब मैं पूरे मैप को अच्छे से देखता हूं, मैं एक बार फिर से इसको मिटा दूं, तो हमें क्या दिखाई पड़ता है कि ये भारत जो है ना, ये देखो ये अफ्रीका है, अफ्रीकन प्लेट से टूटा है, जहां पर मैं लाइन खींच रहा हूं ना, वहीं पर भारत अफ्रीकन प्लेट से टूटा है। अब चूंकि ये अफ्रीकन प्लेट से टूटा है, तो ये एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि भारत कौन से प्लेट का हिस्सा था, तो अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा था, अफ्रीकन प्लेट से भारत टूटा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आप देख रहे हैं कि अफ्रीका है, अगर मैं इसको देखूं तो ये आपको यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया का पॉइंट है, ये आपको नॉर्थ अमेरिका समझ में आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका, ये आपको साउथ अमेरिका समझ में आ रहा है, ये आपको अफ्रीका समझ में आ रहा है, ये आपको अंटार्कटिका समझ में आ रहा है, और ये आपको ऑस्ट्रेलिया समझ में आ रहा है, जो
इंडिया अफ्रीका का पार्ट है, ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इंडिया किससे टूटा? अफ्रीकन प्लेट से टूटा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और धीरे धीरे जब आप देखेंगे तो ये वही पॉइंट यहां पे आपको नजर आएगा। देखिए नॉर्थ अमेरिका, यहाँ देखिए यूरोप प्लस एशिया, यहाँ देखो साउथ अमेरिका, यहाँ देखो अफ्रीका, ये देखो इंडिया यहां पर है, ये अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया। चलो हो गया। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब आप हिमालय पढ़ेंगे तो हिमालय के निर्माण के प्रक्रिया के समय आप क्या पढ़ेंगे कि भारतीय प्लेट आकर के इस जगह पे यूरेशियन प्लेट को, यूरोप प्लस एशिया के प्लेट को, देख रहा है ना यूरोप प्लस एशिया यूरेशियन, यहां पर देखो है ना यूरोप प्लस एशिया यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट को धक्का मारा, या चूंकि आज वो तिब्बत या चाइनीज प्लेट भी कहा जाता है, तो तिब्बत प्लेट को धक्का मारा। अब पॉइंट यहां पर देखिएगा, ये जो यहां पर खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर देखिए बड़े गौर से, यहां पर जो खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है, इंडिया यहां पर आकर के एडजस्ट होता है। देखो यहां पे, देखो यहां पे एडजस्ट होता है। तो ये कौन सा जगह था? तो ये टेथिसी था, टेथिसी। ये कौन सा जगह था? टेथिस सागर था, टेथिस सागर था। अब टेथिस सागर था तो इंडिया प्लेट यहां पे आकर के जब यहां पे धक्का मारता है यूरेशियन प्लेट को, तो टेथिस सागर में जमा हुआ जो मलवा है, टेथिस सागर में जमा हुआ जो भी सेडिमेंट है, वो चट्टान बन करके और ऊपर की तरफ उठता है और फिर वो हिमालय का निर्माण कर देता है। इसलिए आप देखिएगा कि जहां पर यहाँ पे हिमालय, जहां पे इंडिया शिफ्ट हुआ है उस जगह पे हिमालय है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि हिमालय का निर्माण कौन से सागर के जगह पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था? तो टेथिस सागर के जगह पे हुआ था, क्योंकि भारतीय चट्टान आकर के इस तरीके से इसको धक्का मारी। मैं आपको अलग तरीके से बता दूं, क्योंकि भारतीय चट्टान, जैसे देखो ये भारत का प्लेट है और ये पहले से यूरेशियन प्लेट है यहां पे, ठीक है, यूरेशियन प्लेट है। तो भारतीय प्लेट आई और इसको धक्का मारी, आप इस जगह पे धक्का मारिए, चूंकि इस जगह पे यहां पे टेथिस सागर था, इस जगह पे टेथिस सागर था, ठीक है। अब इस जगह पे टेथिस सागर था तो यहां पे क्या हुआ उसको आप समझिए, यहां पे क्या हुआ कि ये धक्का मारी और चूंकि ये जब दो कॉन्टिनेंट एक दूसरे से टकराते हैं, अब ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, तो जो हल्का होता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, जो भारी होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो चूंकि ये यहां पे आया तो ये ऊपर की तरफ उठ गया इस जगह पे, और ऊपर की तरफ उठ के हिमालय का निर्माण कर दिया, यानी कि पर्वत का निर्माण कर दिया पर्वत। और चूंकि ये मोड़दार पर्वत है, घुमा हुआ है, तो इसको बलित पर्वत कहा गया। क्या कहा गया? बलित पर्वत कहा गया। और चूंकि यहां पर भी ये भी नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, ये यहां पे, तो ये इस तरीके से बलित पर्वत का निर्माण हुआ और जिसका नाम हम लोगों ने हिमालय रख दिया, जिसका नाम हम लोगों ने क्या रख दिया? हिमालय। तो हिमालय का निर्माण किस जगह पे हुआ है? तो टेथिस सागर के जगह पे हुआ है। और जो मैप यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही बात यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से खाली जगह है और यहाँ पर इंडियन प्लेट जाकर के और इसको धक्का मारता है और यहाँ पे टेथिस सागर के जगह पे हिमालय जैसे जगह का निर्माण होता है और भारत यहाँ पे है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड बेगनर साहब का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कि किस तरीके से वो लॉरेंसिया या अंगारा लैंड में बांटा, फिर नीचे वाले को गोंडवाना कहा और एक प्लेट दूसरे से ड्रिफ्ट होते चले जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और आज का दुनिया ऐसा दिखाई दे रहा है, जबकि पहले पूरी दुनिया एक था जिसको पैंजिया कहा गया और पूरा महासागर एक ही था जिसको पैंथासाला कहा गया। ये पॉइंट हमने आपको बताया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को ही एक अलग तरीके से उसको प्रूफ किया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को यहां पे हम देखिए, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का मैप है, इसको मैं समझाता हूं फिर इसके बारे में बात करता हूं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है कि पूरा दुनिया बहुत बड़े बड़े और छोटे छोटे प्लेटों में बटा हुआ है। बड़े बड़े 6-7 प्लेट है, बड़े बड़े प्लेट छोटे छोटे प्लेट है, जैसा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कहा गया। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया था? हैरी हेस ने। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया था? अल्फ्रेड बेगनर ने। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया? हैरी हेस ने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हैरी हेस साहब क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया अलग अलग प्लेटों में बटी हुई है। अब वो बड़े बड़े प्लेटों और छोटे प्लेटों की बात करते हैं, तो मैं जरा बड़े प्लेटों का नाम गिनती करा दूं और आप भी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, हालांकि इसका लिखा हुआ भाग आपको मिल जाएगा, तो आप सिर्फ यहाँ पे सुनिए और बड़े गौर से मैप को देखिए खूब अच्छे से। अगर आप पेन चला सकते हैं तो आपकी मर्जी है, ठीक है, चलिए। तो बड़े बड़े प्लेटों में जब इन्होंने बांटा तो उन्होंने किस तरीके से बांटा? पहला
पहला देखो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है ना, पहला। दूसरा साउथ अमेरिकन प्लेट, दो। तीसरा यूरेशियन प्लेट, तीन। चौथा अफ्रीकन प्लेट, चार। पांचवा अंटार्कटिका प्लेट, पांच। छठा ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन भी कहा गया, छह हो गया। और सातवा पैसिफिक प्लेट, सात, ठीक है। ये पांच हो गया, ये छह हो गया, ठीक है, सात। सात क्या हुआ? पैसिफिक प्लेट। तो ये सात बड़े बड़े प्लेट है जिसको आप ध्यान रखिएगा। इसको याद रखना बड़ा आसान है। अगर आप कॉन्टिनेंट को याद रखते हैं तो इन सातों प्लेट को भी याद रखना आसान है। पहला नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका, तीसरा अफ्रीका, चौथा यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया, पांचवा ऑस्ट्रेलिया इंडो प्लस ऑस्ट्रेलिया, पांचवा ऑस्ट्रेलिया, छठा अंटार्कटिका और सातवा पैसिफिक। इसको याद रखना बहुत आसान है। उसके बाद इन्होंने कहा कि बहुत छोटे छोटे प्लेटें भी हैं, जैसे फिलीपींस का प्लेट, यहाँ पर देखो जहाँ फिलीपींस देश है, फिलीपीन प्लेट इसको कहा। उसके बाद यहाँ पे देखो नजका प्लेट, ये कहाँ पे है? साउथ अमेरिका के ठीक पास में नजका प्लेट है। कोकोस प्लेट, ये कहाँ है? ये मध्य जो अमेरिकी, जिसको लैटिन अमेरिकी कंट्रीज कहते हैं, वहां पे कोकोस प्लेट, देखो ये लैटिन अमेरिकन प्लेट है। कैरिबियन प्लेट, कैरिबियन सी में, ये भी लैटिन अमेरिकी प्लेट है, कैरिबियन प्लेट। तो ये प्लेट देखो, ये कैरिबियन प्लेट है, ये कोकोस प्लेट है, ये नजका प्लेट है, यहाँ पे फिलीपीन प्लेट है। उसी तरीके इसको इंडिया अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट है, जो अरब का जो पूरी कंट्रीज है उसका अरेबियन प्लेट है। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्लेटों की संख्या इन्होंने बहुत बताया कि बहुत है छोटे छोटे प्लेट। बड़े प्लेटों की संख्या इन्होंने सिर्फ सात की गिनती कराई, सात की गिनती कराई, ठीक है ना। पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए एक, अब ये क्या कहते हैं कि ये प्लेटें है क्या, क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अल्फ्रेड बेंगर साहब को हम छोड़ दिए, यहाँ पे हम प्लेट टेक्टोनिक पे। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे कहते हैं कि ये प्लेटें है क्या। तो दरअसल ये लोग क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि ये जो प्लेटें हैं ये स्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहे हैं। स्थेनोस्फीयर जो कि बना होता है किसका, सीमा, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है, उस पर ये तैर रहे हैं। और सीमा के बारे में अगर हम कोर को पढ़ाए, जो कि हम अभी अर्थ के कोर को या अर्थ के क्रस्ट को के बारे में बात कर रहे हैं, मेंटल के बारे में बात करेंगे, तो अर्थ के स्ट्रक्चर में हम जब मेंटल पढ़ते हैं तो वहां पर हम सीमा देखते हैं। कोर में है आपको सियाल, मेंटल में सीमा, और सॉरी क्रस्ट में है सियाल, मेंटल में सीमा, और कोर में नीफे, ठीक है। जब इस तरीके से पढ़ते हैं उसको हम पढ़ाएंगे, अभी तो उसको लेकर के आप ज्यादा परेशान नहीं हुए कि हमको समझ में नहीं आया, अभी हम पढ़ाना बाकी है। तो मेंटल के पार्ट पे जो तैरता हुआ है वो प्लेटें इस तरीके से बोलते हैं कि मेंटल के पार्ट, जिसको इन्होंने एस्थेनोस्फीयर कहा, उस पे ये तैरती हुई प्लेट है जो एक दूसरे से दूर जा रही है। अब यहाँ पे एक दूसरे से दूर जाने के इन्होंने दो थ्योरी बताए, वो यहाँ पे आप देखते हैं। वो दो थ्योरीज इन्होंने क्या बताया वो हम आपको समझाते हैं। वो दो थ्योरीज बताया कि प्लेटें या तो एक दूसरे के डाइवर्जेंट मोशन में होगा या कन्वर्जेंट मोशन में होगा। डाइवर्जेंट मोशन में हो सकते हैं या कन्वर्जेंट मोशन में, यानी कि एक दूसरे से दूर जा सकते हैं या एक दूसरे के नजदीक जा सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, यहां पर देखिए इस जगह पे देखिए, अगर ये दो प्लेटें एक दूसरे से देखो दूर जा रही है, दूर जा रही है, तो एक दूसरे से अगर दूर जा रही है तो दूर जाने के क्रम में जो नीचे का मैग्मा और लावा है वो, चूंकि प्लेटें एक दूसरे से दूर गई तो नीचे में वहां पे उसको क्या मिल गया, एक छिद्र मिल गया, एक जगह मिल गया, उस जगह में क्या है, लावा और मैग्मा ऊपर की तरफ आ जाएगी। और ऊपर की तरफ आ जाएगी तो जितना वो दूर जाता जाएगा वो लावा मैग्मा ऊपर आकर के उस खाली स्थान को भरने लगेगा, और जब खाली स्थान को भरने लगेगा और ऊपर आकर के जमने लगेगा तो एक नई तरीके की मैदान, एक नई तरीके की स्थलाकृति का निर्माण कर देगा, एक नई तरीके की। आप देखिए इस मैप में कि किस तरीके से प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है और नीचे का लावा और मैग्मा ऊपर आकर के यहां पर जो बीच का जगह है वहां भर करके एक नई स्थलाकृतियों का निर्माण कर रही है, एक नई स्थलाकृतियों का। और ये नई स्थलाकृति आपको कहां मिल जाएगा, मिड अटलांटिक रिज में। जब आप मिड अटलांटिक रिज देखेंगे मैप में, देखिएगा ये मिड अटलांटिक रिज का इलाका है, ये मिड अटलांटिक रीज का, ठीक है, जहां पे साउथ अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहा है। यहां पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो एक दूसरे से दूर गया तो यहां पर जो पॉइंट है उसको समझिएगा कि नीचे का लावा मैग्मा आकर के ऊपर आ गया और एक नई स्थलाकृति बना दिया, जिसको हम रिज कहते हैं, RIDGE। इसको क्या कहते हैं, रिज कहते हैं, रिज, ठीक है ना। तो पॉइंट को समझिएगा कि जब डाइवर्जेंट मोशन होता है तो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती
जाती है और जो खाली जगह होता है वहां पे लावा मैग्मा आकर के जम जाता है और एक रीज का निर्माण कर देता है जो कि मिड अटलांटिक रीज इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है कन्वर्जेंट मोशन का, यानी कि एक दूसरे के नजदीक आने का। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, इसको कन्वर्जेंट मोशन बोलते हैं। तो जब यहां पर देखिए दूसरे फिगर में, ये दूसरे नंबर, ये पहले नंबर का फिगर है, ये दूसरे नंबर का फिगर, ठीक है। तो दूसरे नंबर के फिगर में आप देखिएगा कि ये प्लेट और ये प्लेट एक दूसरे से नजदीक आ रही है। अब जब दो प्लेटें एक दूसरे से नजदीक आती है और एक दूसरे से टकराती है, तो जिस प्लेट की डेंसिटी कमजोर होगी, हल्की होगी, वो प्लेट ऊपर की तरफ उठेगी, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो प्लेट नीचे की तरफ जाएगी। ये सिंपल पॉइंट है, इसको अगर समझना है तो एक गेंद ले लीजिए प्लास्टिक का, दो गेंद, एक गेंद भारी एक गेंद हल्का, दोनों को ऐसे करके टकराइए। जो भारी गेंद होगा वो बहुत दूर तक नहीं उछलेगा, वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन जो हल्की गेंद होगी वो टकरा करके दूर तक चली जाएगी। तो यहां पर पॉइंट क्या है कि जो हल्की डेंस, जिसकी डेंसिटी कमजोर होगी वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे की तरफ चली जाएगी। तो यहां पर देखिएगा ये दो प्लेटें एक दूसरे से टकराई, एक प्लेटें ऊपर की तरफ चली गई, यहां पर देखो ऊपर की तरफ, और एक प्लेट नीचे की तरफ चली गई, जा रही है। तो जो नीचे की तरफ प्लेटें गई है इसको बोलते हैं बेनियफ जोन, जहां पे प्लेटें टकराकर और नीचे मुड़ गया इस तरीके से, और ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो जो नीचे मुड़ी जिस जगह से, यहां पर देखो, इसको बोलते हैं बेनियफ जोन, बेनियफ जोन, इसको बोलते हैं बेनियोफ जोन, ठीक है। तो जो बेनियोफ जोन से ही हम बात करेंगे, तो बेनियोफ जोन पे जब एक दूसरे से टकराई तो जो प्लेटें ऊपर की तरफ उठी, वो चूंकि अब टकराई है तो ऐसा तो नहीं टकराई है कि एकदम आके आ भैया मिल गए हम, बड़े दिनों के कुंभ के मिले हुए बिछड़े भाई है, मिल गए, ऐसा तो होता नहीं है। चूंकि ये टकराई है और टकराने में एनर्जी लगती है, तो वहां से जो एनर्जी आती है वो प्लेटों को तोड़ मरोड़ कर देती है। तो जो ऊपर उठने वाला प्लेट है, जब वो ऊपर उठती है तो सिंपल ऊपर नहीं उठती है, बल्कि इस तरीके से ऊपर उठती है जो यहां पे आपको दिखाई दे रही है, फोल्ड होकर के ऊपर उठती है, फोल्ड होकर के। और जब ये फोल्ड होकर ऊपर उठती है, और चूंकि प्लेटों का टकराना लगातार जारी है, तो ये फोल्ड होना लगातार जारी है, तो ये माउंटेन का निर्माण कर देती है, माउंटेन यानी कि पर्वतों का निर्माण कर देती है। और चूंकि ये माउंटेन फोल्ड है, जैसा कि आप देख रहे हैं प्लेटें टकराई है तो फोल्ड हो गया इस तरीके से, तो फोल्ड है तो इसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, यानी कि हिंदी बोलते हैं बलित पर्वत। तो बलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तो एक प्लेट जो नीचे की तरफ जाता है बेनियोफ जोन में, और दूसरे प्लेट जो ऊपर की तरफ चली जाती है जिसकी डेंसिटी कम होती है, तो ऊपर की तरफ जाते हुए वो मुड़ती है, क्योंकि दूसरे प्लेट से टकराने से उसमें टूटन हुई है, वो टूटी है, मुड़ी है, और उस बलन के कारण उसको फोल्ड बोलते हैं। और चूंकि वो लगातार ऊपर की तरफ उठते जा रहा है आज भी, तो इसलिए उसको माउंटेन कह देते हैं, क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो वो फोल्ड माउंटेन हो जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास हिमालय है, और दुनिया में अगर हम बात करें तो रॉकी है, एंडीज है, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल। एंडीज तो सबसे बड़ा फोल्ड माउंटेन है, दुनिया का सबसे बड़ा फोल्ड माउंटेन कौन सा है, एंडीज है। तो यहां पे आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है, कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। दो प्लेट एक दूसरे से टकराएंगी तो एक प्लेट ऊपर की जाएगी, जो फोल्ड होगा वो फोल्ड माउंटेन का निर्माण कर देगी, और एक प्लेट नीचे की तरफ जाएगी जो बेनियोफ जोन से नीचे की तरफ चली जाएगी। तो ये पॉइंट आप समझ लीजिएगा, और जहां वो नीचे की तरफ जाती है बेनियोफ जोन से, वहां पे ट्रेंच का निर्माण कर देती है, वहां पे गड्ढे का निर्माण कर देती है। और वो गड्ढा अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखे तो जिस तरीके से एक प्लेट मुड़ करके हिमालय का निर्माण कर दिया और नीचे में गड्ढा बना दिया, और वो गड्ढा बेनियोफ जोन के जगह पे, वो आज हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का क्या है, मैदानी भाग है। चूंकि वो एक बिल्कुल ट्रेंच था, गड्ढा था, उसमें नदियों द्वारा लाई गई सेडिमेंट से भर भर के उसको मैदान का निर्माण कर दिया गया है, नहीं तो वो गड्ढा था। तो जब भी दो प्लेटें टकराती है तो एक तरफ, दो प्लेटें एक दूसरे से टकराएगी तो एक तरफ पर्वतों का निर्माण कर देगी वही बेनियोफ जोन के पास, यानी कि जहां से नीचे की तरफ सबड्यू हुई है वहां पर वो ट्रेंच का निर्माण कर देगी। ये अलग बात है कि समय के साथ वो ट्रेंच भर करके मैदान का भाग बन जाए, जैसे हमारा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन है उसके बारे में वो एग्जाम्पल हमारा है। तो इस बात को समझिएगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमें क्या बताती है, और अल्फ्रेड बेगनर साहब का
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या बताती है? सुनने में दोनों एक जैसा लगेगा, लेकिन दोनों में छोटा सा टेक्निकल डिफरेंस है। वो ये यहाँ पे प्लेटों को बिल्कुल अच्छे तरीके से बांटे हैं, वो वहाँ पे कॉन्टिनेंट को बांट करके आगे बढ़े हैं, इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। चलिए, पर्वत निर्माण प्रक्रिया का भी बात यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा ही जाना जाता है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बलित पर्वत का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसी भी फोल्ड माउंटेन के फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से डिफाइन करती है। ये पॉइंट आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी डिफाइन द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से आप लिख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में और क्या क्या बातें हैं जो मैंने आपको बताया और जो यहां पे लिखा हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया था? तो हैरी हैस साहब ने दिया था। किसने दिया था? हैरी हैस साहब ने दिया था 1962 में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। चलिए ठीक है। क्रस्ट डिवाइड इनटू सेवरल बिग एंड स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड प्लेट्स। बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ जिसको प्लेट्स कहा। वो चावल था खाने वाला प्लेट नहीं बेटा, प्लेट है। चलिए ठीक है। प्लेट फ्लोटिंग ओवर द एस्थेनोस्फियर। प्लेट जो है ना एस्थेनोस्फियर, जिसको जो कि किससे बना हुआ है, सिल्का और मैग्नीशियम से, जिसे हम मेंटल में पढ़ेंगे। मेंटल में पढ़ेंगे, अभी हमको पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो मेंटल में पढ़ेंगे। सेवन लार्ज प्लेट है, सात बड़े लार्ज प्लेट है। नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, पैसिफिक, अंटार्कटिका। पूरी बातें हमने समझा दिया, इसलिए हमको इसको तेजी से निकाल लेना है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि दो तरीके का पॉइंट होगा, एक कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होगा और एक डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होगा। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन को भी इन्होंने क्या कहा, डाइवर्जेंट मोशन, डाइवर्जेंट प्लेट। और डिस्ट्रक्टिव प्लेट को क्या कहा, कन्वर्जेंट प्लेट। कन्वर्जेंट का मतलब एक दूसरे से प्लेट अगर टकराएगी तो वो डिस्ट्रक्ट होगी, टूटेगी, फूटेगी, जैसा कि हम आपको समझा रहे हैं। और जब एक दूसरे से दूर जाएगी तो कंस्ट्रक्ट होगी, जैसा कि हम आपको बताए कि एक दूसरे से गया और एक नई स्थलाकृति लावा और मैग्मा ऊपर आकर के बना दिया, जिसको रिज कहते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिव पार्ट है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहा गया डाइवर्जेंट मोशन को। और एक दूसरे से जब टकराएगी तो टूटेगी, फूटेगी, माउंटेन का निर्माण कर देगी फोल्ड करके। तो ये डिस्ट्रक्टिव पार्ट है, तो इसको कन्वर्जेंट मोशन कह दिया गया डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन को। इसमें सोचने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जो बात मैंने आपको बोला वही बात है। क्या लिख रहा है, व्हेन टू प्लेट स्लाइड अपार्ट ईच अदर, एक दूसरे से जब दूर जाती है तो एक क्रैक डेवलप बिटवीन देम फॉलोइंग व्हिच द मोल्टन लावा ऑफ एस्थेनोस्फीयर कम्स आउट ऑफ द सर्फेस कंटिन्यूसली एंड आफ्टर सॉलिडिफिकेशन फॉर्म ए न्यू क्रस्ट। ठीक है, यानी कि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो मोल्टन लावा एस्थेनोस्फीयर से ऊपर आ जाती है और ठंडा होकर के, सॉलिडिफिकेशन ठंडा होकर के जमने के बाद वो एक नई प्रकार के क्रस्ट का, एक नए प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण कर देती है। इसका मतलब यही है जो हम आपको समझा चुके हैं। चलिए, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन के बारे में क्या बोलता है कि जब टू प्लेट कोलाइड, एक दूसरे से टकराती है, ईच अदर द डेंसर वन सब्जेक्टिव इनटू बिलो द लाइटर वन, यानी कि जो डेंस होगा वो नीचे जाएगा और जो लाइटर यानी कि जो हल्का होगा वो ऊपर की तरफ आएगा। जो बात हम बताते आ रहे हैं, द रीजन वेयर सबडक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड बेनियोफ जोन। जहां पे वो सबडक्शन होगा, जहां पे वो नीचे की तरफ जाएगा उसको बेनियोफ जोन कहेंगे, और जहां वो ऊपर की जाएगा और वो माउंटेन का निर्माण करेगा, इसलिए उसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं, क्योंकि टोर फोर के माउंटेन का निर्माण करेगा। तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट और कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन के रूप में इन्होंने बांटा है, जिसको डिस्ट्रक्टिव को डाइवर्जेंट मोशन मैंने समझाया और कंस्ट्रक्टिव को कन्वर्जेंस मोशन के रूप में हमने आपको समझाया। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी था, और इससे पहले हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताया। इस पूरे वीडियो को दो बारी, एक बारी कम से कम और आप एक बार देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे तरीके से ये पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। एग्जाम का क्वेश्चन भी यहां से आपको बनते हुए नजर आ जाएगा, खास करके हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया वगैरह आपको समझ में आ जाएगा। एक बात जरूर समझिएगा कि जहां भी कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव पॉइंट हो, यानी डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन हो या कंस्ट्रक्टिव प्लेट हो, यानी डाइवर्जेंट मोशन हो या क्या बोलते हैं कन्वर्जेंट मोशन हो, दोनों में से कोई भी मोशन हो, दोनों ही मोशन में एनर्जी बहुत तेजी से निकलती है, और उस जगह पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और उस जगह पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आने की संभावना होती है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा हिमालय है। जो हिमालय का हमारा पूरा रेंज है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी का रेंज है, इस बात को, सॉरी अर्थक्वेक का रेंज है, इस बात को समझिएगा। और जब हम अर्थक्वेक पढ़ाएंगे, उस समय भी आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। वहां पे हम आपको इस कॉन्सेप्ट को दोबारा बताएंगे, और जब हम दोबारा बताएंगे तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगा। घर पे जाने के लिए रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार और वीडियो को आप हमारा देख लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। हम इसके बाद इसकी चर्चा और भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे टॉपिक है जहां पे इसकी चर्चा होने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच। हम लोग अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।